यस चलो कैसे हैं आप सभी। हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानी कीड़ा फैमिली। क्या करने जा रहे हैं आज? आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर यही है। यहां मिल जाते हैं आपको 80+ क्वेश्चंस है। एंड बच्चे लोग, जो बच्चे क्लास 9 से 10th पर आए हैं और जो इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, इस चैप्टर में से कोई भी रिडक्शन नहीं है। तो आपको अगर आपने सोचा हुआ है कि 95+ लाने हैं, तो 95+ लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे में एग्जाम्पलर मस्ट होती है। किसी भी सीबीएसई टॉपर्स के पास जाओगे, और टॉपर्स आप ही तो यार, आप खुद से पूछो, सोच के बोलना क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूरी है। यस सर, यहां मिल जाते हैं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है। ये चैप्टर काफी लेंथीएस्ट है। यहां मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट, देन आपके लॉन्ग है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सेशन के दौरान पूछे हुए हैं। और अगर आप नए हो इस प्लेटफॉर्म पे, बताना चाहूंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के रिगार्डिंग हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट पे आपको सब वीडियो मिल जाएंगी, जाके कंप्लीट कर लेना। और अब टाइम आ चुका है सैंपल पेपर को स्टार्ट करने का। और कहां से करना है? ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म मैथ्स और साइंस की कंप्लीट आपके 5-5 सेट सैंपल के अपलोड हैं, जाके चेक इट आउट कर लेना, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स को इंक्रीज करने हैं। तो सेशन में चलते हैं, और जहां बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन पूछे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स गो टू द वीडियो। Yes, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस को। काफी लेंथी चैप्टर हो जाता है, और यहां पर 80+ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा सेम वही है। अगर वीडियो लेंथी होती है तो आप क्या करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन करो शॉर्ट आंसर, देन आपका लॉन्ग है। तो तीन, इस वीडियो को 3 लेक्चर डिवाइड कर लेना, डिपेंड करता है आपके टाइम टेबल के ऊपर, आपके स्लॉट पे खाली हो। स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट बच्चे ऑटोट्रॉफ्स के लिए इनकरेक्ट है? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपने फूड को सिंथेसाइज कर पाते हैं। इसका मतलब ये अपना रॉ मटेरियल लेकर अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स है। और जिस मोड से खाना बनाते हैं उसी मोड्स को, माय डियर, क्या बोला जाता है? उसी मोड्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलेगा? यस सर, दौड़ेगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, परफेक्ट है। और सेकंड थिंग, चैप्टर 15 आप पढ़ोगे, यहाँ पर है क्या? फूड चेन है। फूड चेन पे सबसे पहला जो लेवल होता है, जो ट्रॉफिक लेवल है, उसमें आपका जो स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है? वो आपके ऑटोट्रॉफ सीकर, बिकॉज इनके पास वो क्षमता है खाना बनाने का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चल चेक करते हैं। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बात में दम है, ये ट्रू बेटा, ये ट्रू। आ जाओ आ जाओ। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब देखो क्या है, प्लांट्स से क्या करती है, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, उसके बाद कुछ तो यूज कर लेगा, और जो रह जाता है उसे स्टार्च की फॉर्म पे स्टोर करके रखता है। तो चिक है, ये भी ठीक है, ये भी परफेक्ट है। आ जाओ आ जाओ। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन टू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एबसेंस ऑफ सनलाइट। सोचा जाए क्या, दे कन्वर्ट, अब ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए डियर, ये हो क्या रहा है यहां पर, क्या हो रहा है सर? यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। चलेगा, फोटोसिंथेसिस है। तो मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होती है कि सनलाइट की एब्सेंस में होती है? माय लॉर्ड, सोचा जाए, डैम श्योर है सर, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये गलत हो जाता है। नीचे आ जाओ, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। यस बच्चे, परफेक्ट है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा यस आपका बच्चे 1 से आपका, चलो बच्चे 1 से हाईलाइट करते हैं आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन माय डियर। आया सभी को? यस सर, परफेक्ट आ चुका है। आगे बढ़ा जाए, और जो यहां पर हो क्या रहा है, ये रहा आपका सोलर एनर्जी आया, यहां पर CO2 है, वाटर है, और साथ में क्लोरोफिल है, उसकी प्रेजेंस में खाना बनाया, परफेक्ट है। यस, ये रहा कार्बोहाइड्रेट, ये रहा कार्बोहाइड्रेट माय डियर है। और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। फूड मटेरियल जो है आपका टूटता है बॉडी के बाहर और उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, कौन से मोड की बात कर रहा है? परफेक्ट है यार, सैप्रोफिटिक, बोला जाए आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, परफेक्ट है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो कह रहा है किस में आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फॉलो होता है, चेक करते हैं। जब भी ऐसा हो हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। पहला चेक है ग्रीन प्लांट्स, ना जी ना, ग्रीन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ से, तो कैसे यहां पर आंसर हटा दिया जाए? ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये ऐसा ऑप्शन है, इसको देख के चेहरे पे लाली आनी चाहिए। नीचे आ जाओ, पैरामीशियम, अमीबा, 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 सर अमीबा पैरामीशियम, तो
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं, नहीं हो सकता, कसकट्टा, लाइस, टेपम, ये सारे के सारे जो है माय डियर ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर माय डियर? इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है तो देना, ध्यान रखना। ईस्ट आपके जिस मेथड से, पहले आप बताओ ईस्ट जो है क्या वो सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल, कौन से मोड को अपनाता है? अगर आंसर असेक्सुअल है तो असेक्सुअल के अंदर भी कौन सा मोड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने ओके 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 इरा थर्ड क्वेश्चन यहीं पर ही है, एक सेकंड आपका ये ओवरलैप हो जाएगा तो यहां पर से इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए, बिकॉज साफ सुथरा डिसिप्लिन लाइफ हमें जीनी है और ऐसे ही करना। आगे आ जाओ और ये रहा सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हमें सिलेक्ट करना है और ये रहे जाए। आ जाओ आ जाओ, क्या देखो जिस तरह मैंने सीखा था ऑटोट्रॉफ्स, इसी के ठीक उल्टे कौन हेटरोट्रॉफ्स है। हेटरोट्रॉफ्स दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी या टेंडेंसी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड है, तो ऐसे में ये ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। चलेगा, यहां पर आ जाओ, सिलेक्ट द करेक्ट है, हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यार बहुत दम तो है कि हेटरोट्रॉफ्स अपना खाना नहीं बनाते, टिक किया जाए। आगे आ जाओ, हेटरोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये रीड करते आपको मुनी का अच्छा ये पॉज बेटा किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते, गलत है। क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर माय डियर? ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट भयंकर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ा जाए आगे, यस सर, बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक बार बोलेंगे साइंस तो अपनी है, फिर से बोला जाए साइंस तो अपनी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ये होता क्या है, ध्यान से देखा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैनल है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और कहां खत्म होगा माय डियर, यस रेक्टम पर खत्म होगा, फिर आपका एनस से बाहर निकल जाएगा। चलेगा, तो यहां जब माउथ से, जब माउथ से पालकी में होके, कुछ गाना याद आया, पालकी में होके रेक्टम चली रही है ना, चाहिए सुनो क्या है? अब सोचा जाए माय डियर, आप बताओ जब जाते हैं तो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे, देखो माउथ है ना आपका, ईसोफेगस खाने को लेके जाएगा और स्टमक तक छोड़ देगा, और स्टमक के बाद कहां जाएगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। तो ऐसे में स्मॉल इंटेस्टाइन दो प्राणियों की हेल्प लेगा, कौन कौन सा माय डियर? आपका लीवर का लेगा, जो दिख रहा है, यहाँ पैंक्रियास मेंशन नहीं है, लीवर और पैंक्रियास पीछे होता है, ये आपके जो बैकबोन और जो ये स्टमक के पीछे होता है, तो लीवर और पैंक्रियास हो गया और लास्ट में क्या हो गया, रेक्टम में गया, और यहां से यहां से आएगा लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर आपका रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड यहां स्टोर होता है, फिर आपका एनस से बाहर निकल जाता है, जो एंट्री होती है खाने की से क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है आपका इंजेशन है, और जो खाना बाहर निकलता है आइडियर से क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इजेशन। चलेगा, इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, देखते हैं, बहुत सिंपल है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस, छाटो छाटा जाए, यस माउथ, फिर ईसोफेगस, स्टमक, एरा, दैट्स द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर माय डियर। आगे बढ़ा जाए, यस आगे बढ़ते हैं, देखो चीजें बहुत सिंपल है, आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन को हमें मेमोराइज करना जीना, हमें सब कुछ हमें आना चाहिए। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिफ्थ और सिक्स्थ आपके सामने है, इफ सलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। आप मुझे बताओ सलाइवा कौन बनाता है, टंग, है ना, टंग के पास माय डियर क्या होते हैं, टंग के पास है सलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, और जब जब ग्लैंड्स होते हैं अपना सीक्रेशन देंगे, टंग के पास माय डियर क्या है आपका, सलिवरी ग्लैंड्स है। चलेगा, और सलिवरी ग्लैंड्स आपका जो सीक्रेशन देता है वहां पर क्या होता है सर, यहाँ पर एंजाइम होता है, कौन सा, सलिवरी एमाइलेज। ये करता क्या बेटा सलिवरी एमाइलेज, ये देखो कोई अगर आपसे पूछे ना कि हमारा खाना डाइजेस्ट होना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, माउथ से ही हो जाता है, क्यों, देखो माउथ में टंग है और टंग के पास क्या बेटा सलिवरी ग्लैंड्स है, जिसने क्या सीक्रेट किया, एक एंजाइम सलिवरी एमाइलेज है। अब ये सलिवरी एमाइलेज क्या करता है, हमारे खाने में अगर कॉम्प्लेक्स स्टार्च होगा ना, अगर कॉम्प्लेक्स स्टार्च है तो इस कॉम्प्लेक्स स्टार्च जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसे जो है ये आपका अनएब्जॉर्बेबल है, ये एब्जॉर्बल नहीं हो सकता, तो इसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सलिवरी एमाइलेज है। तो ये फंक्शन है सलिवरी एमाइलेज का, कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, चलेगा, ताकि ये आपका एब्जॉर्ब हो सके। अब आप मुझे बताओ, तो अगर सलिवरी एमाइलेज नहीं होगा, अगर सलिवरी एमाइलेज नहीं है तो ऐसे में क्या होगा बेटा, तो ऐसे में जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च है क्या कन्वर्ट हो पाएगा सिंपल शुगर में, नाजीना, तो वही पूछा, देखो अगर सलिवरी एमाइलेज नहीं है सलाइवा में तो कौन सा जो इवेंट है माउथ में अफेक्ट होगा, ऑप्शन ए प्रोटीन्स हटा दिया जाए, फैट्स देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन हटा दिया जाए, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर सर, स्टार्च
ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आ जाओ आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्या कह रहा है देखो, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है. सबने यहाँ पर सब यहाँ पर आ जाओ जी. यहाँ पर दिख रहा है आपको फिगर दिख रहा है. ये जो स्टमक है, स्टमक का जो स्टमक के पास कौन से ग्लैंड होते हैं? स्टमक के पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या बनाया? गैस्ट्रिक ग्लैंड ने माई डियर बनाया गैस्ट्रिक जूस ना. गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या बनाया बेटा? गैस्ट्रिक जूस बनाया. इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन कॉम्पोनेंट है. कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बच्चे बोलो क्या पेप्सिन, ठीक है, और सेकंड क्या बेटा आपका HCl है, देन आपका म्यूकस. ठीक है, पेप्सिन फिर से बोला जाए, पेप्सिन, HCl और म्यूकस है. अभी जो HCl है, आपको तो HCl है, इनका pH लग रहा कितना आपका 1.1 से लेकर 5 से आसपास तक आपका 2.5 के बीच में होता है ना. ये आपका जो गैस्ट्रिक जूस है ना, इसका pH ही होता है. पूछा गया कि तो गैस्ट्रिक जूस क्यों आपके एसिडिक होता है, क्या बोलोगे? ड्यू टू द HCl. आपके जो HCl प्रेजेंट है ये एसिडिक इन नेचर होता है इसलिए. ठीक है, तो जो HCl है वो स्टमक की लाइनिंग को ब्रेक ना कर दे, ऐसे में म्यूकस उसके इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है. तो आप क्या बोलोगे? यस, वही पूछा गया था माय डियर. क्या पूछा गया था? देखो, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. चूज द करेक्ट वन. ऑप्शन क्या हो जाएगा? डैम श्योर सर आपका ऑप्शन हो जाएगा पेप्सिन, नहीं म्यूकस इज द राइट आंसर. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है. व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे बताओ, सिंपल सा आइडिया है कि कंप्लीट, अगर आपसे पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा कंपार्टमेंट है, कौन सा पार्ट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? आपका आंसर होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस करता है. अब इतना बड़ा काम स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रखा है, तो ऐसे में होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन को दो जगह से हेल्प लेनी पड़ती है. कौन कौन सा? एक हेल्प वो लेगा लीवर से, चलेगा, और एक बोलो क्या पैंक्रियास से. ठीक है, अब लीवर क्या करेगा? लीवर आपका जो ग्लैंड है, तो लीवर एक सीक्रेशन देने वाला है. कौन सा आपका? यस, बाइल जूस है. लीवर क्या बनाएगा बेटा? बाइल जूस है, जिसको कहाँ स्टोर करता है, जिससे वो पूछा आता है, ये गॉल ब्लैडर पे स्टोर करके रखते हैं. चलेगा चलेगा चलेगा. यस सर, परफेक्ट है. और पैंक्रियास क्या देगा बेटा? पैंक्रियास देगा पैंक्रियाटिक जूस. बोलो क्या आपका? पैंक्रियाटिक जूस. चलेगा चलेगा चलेगा. अब बाइल जूस क्या होता है? बहुत सिंपल है सर, हमारे खाने के अंदर जो फैट है वो बहुत ही बड़े बड़े फॉर्म पे होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म पे होते हैं, उसी को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है बेटा? बाइल जूस. चलेगा, तो इसका इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है. इमल्सिफिकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स into the smaller ones. चलेगा, अब पैंक्रियाटिक जूस के पास दो चीजें हैं, एक तो बोलो कि ट्रिप्सिन है, आईडिया एक बोलो कि आपका ट्रिप्सिन है, और साथ में एक बोलो कि आपके पास ये लाइपेज है. ट्रिप्सिन क्या करेगा? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज से करेगा ये आपके फैट को डाइजेस्ट करेगा. चलेगा, अब यहां पर वही पूछा है, व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर. क्या आंसर दोगे? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन. आया सभी को? आ जाओ आ जाओ. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अ फ्यू ड्रॉप्स वर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर. ठीक है जी, यहां पर राइस वाटर तो है नहीं है, तो यहां पर क्या पोटैटो है, तो लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो चाहे राइस वाटर हो चाहे पोटैटो सेम है. देखो क्या, द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर है. मतलब जब आयोडीन सॉल्यूशन को डाला गया ऐसे फूड आइटम पे जहां पर क्या बेटा कुछ है, तो हम क्या देखते हैं, ब्लू ब्लैक रंग का हो जाता है. आपने क्लास 6 में भी सीखा होगा ये किस चीज के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है. डैम श्योर सर आपका स्टार्च है ना. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च इज द राइट आंसर है. तो आप बोलोगे सर स्टार्च को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया था आपका? आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट किया था. कुछ नहीं करना, इसको डाला जाए, अगर वो ब्लू ब्लैक रंग का हो जाता है इसका मतलब उस फूड आइटम पे क्या है बेटा? आपका स्टार्च है. क्वेश्चन नंबर 9 तक के सामने सेम वही कहानी है. इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, हम अभी कर रहे थे कि फूड को फाइनली डाइजेस्ट किया जाता है. डैम श्योर क्या आंसर हो जाएगा आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन. बोलो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है. मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन मानो सपोज मेरे पास हर्बीवोरस एनिमल है और कार्निवोरस है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ किसके लिए ज्यादा होती है? हर्बीवोरस के लिए कि कार्निवोरस के लिए? अगर आपका आंसर हर्बीवोरस है तो व्हाट इज द रीजन, आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में. वैसे आने वाला आगे आगे आ जाओ. चलो चलो चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने है. चूज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग. अभी देखा था कि पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन आता है पैंक्रियाटिक ना, पैंक्रियास से सीक्रेशन आया पैंक्रियाटिक जूस है, जहां पर लाइपेज है और आपका ट्रिप्सिन है. ट्रिप्सिन क्या करेगा माय डियर? ट्रिप्सिन आपका जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, और जो आपका लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट कर देगा. तो आंसर देखो क्या है, आंसर हो जाएगा पहला चेक है, देखो लाइपेज का ये गलत हो गया और आपका ये भी गलत हो गया, ये भी ट्रिप्सिन और दोनों मिलकर नहीं करते हैं. यस, ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट कर देगा. आया नहीं आया? यस, अब यहाँ जाओ. अब एक छोटा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि सर दो चीजें, एक सीक्रेशन कहाँ से आया, एक आपका गैस्ट्रिक जूस में. इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक आपका कौन सा एंजाइम है बेटा? इसमें आपका एंजाइम है आपका पेप्सिन है. चलेगा, और से अभी क्या देखा कि जो पैंक्रियाटिक जूस है, ध्यान देना बेटा, जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें भी, इसके पास भी क्या है, इसके पास भी माय डियर बोलो क्या ट्रिप्सिन है. चलेगा, तो
पूछते क्या कि बताओ ये देखो ये भी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, तो क्या फर्क है आपका पेप्सिन और ट्रिप्सिन पे, वो आपने डिफरेंशिएट में दे रखा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको इससे पहले आता था तो बहुत बढ़िया, अच्छा पर नहीं है तो सीखो है क्या। देखो पेप्सिन आपसे कोई पूछे बताओ पेप्सिन और ट्रिप्सिन कौन सा पहला काम करता है, आपको ध्यान रखना पेप्सिन पहले काम करता है। कैसे ध्यान रखना कि पी से पी पहले आता है टी बाद में, तो पी पहले काम करेगा और टी से बाद में करेगा चलेगा। पहले तो बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है, बेसिक सा डिफरेंस ही है। सेकंड बात पेप्सिन किसके द्वारा सीक्रेट किया गया, यस एग्जैक्टली ये पूछे किसने किया, आपका स्टमक ने किया, और जो ट्रिप्सिन है माय डियर वो किसमें सीक्रेट किया, सर ये आपका बोलो क्या क्या कैचअप का ये किया पैनक्रियास में, परफेक्ट है। दूसरी बात है देखो होता क्या है, ऐसे ध्यान रखो ये जो पेप्सिन और जो ट्रिप्सिन है सोए हुए होते हैं, मतलब ये बहुत ही इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, और पेप्सिन के इनएक्टिव स्टेज को एक नाम दिया जाता है, बोलो क्या, पेप्सिनोजन आने वाला है, पेप्सिनोजन है, और सेम उसी ट्रिप्सिन सोया हुआ है तो नाम क्या दिया ट्रिप्सिनोजन है। अब वैसे लॉजिक ये है, ध्यान रखना लॉजिक ये है कुछ आपका कि यस कि जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन है उसे पेप्सिन पे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, सेम वही कहानी है, ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसे एक्टिव फॉर्म पे कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा। तो ये देखो आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, अगर आपसे पूछे गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होगा, तो डैम श्योर आपका एसिडिक है, डैम श्योर एसिडिक है बिकॉज क्या प्रेजेंट आपका एचसीएल है, सेम वही कहानी है। पैंक्रियाटिक जूस में बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस में आपका जो है बेसिकली आपका जब इसे मिल जाता है तो ये जो बेटा इसका जो पीएच हो जाता है वो कैसा आपका ये बेसिक हो जाता है चलेगा। इसका मतलब ध्यान देना पेप्सिनोजन को पेप्सिन पे कन्वर्ट करने का काम किसका है, एसिडिक मीडियम का है, जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होता वो कन्वर्ट नहीं होगा। सेम वही कहानी है, ये जो ट्रिप्सिन है वो भी आपका बेसिक मीडियम पे ही काम करता है, मतलब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम किसने किया, बेसिक और यू कैन से अल्कलाइन मीडियम, यू कैन से आपका अल्कलाइन मीडियम चलेगा, यस सर दौड़ेगा। और सेम वही कहानी है, अब देखो क्या यहाँ जो अब आप लाइक हो चुके हो, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ स्टमक है ना, और यहाँ पर क्या इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियास है, यहाँ पर आ जाते हो कितना प्यारा है, द इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं पेप्सिनोजन है, और इसके इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोला जाता है आपका ट्रिप्सिनोजन है। ये जो पेप्सिन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल कौन से मीडियम पे काम करते हैं, आपके एसिडिक मीडियम पे, और ये जो है बेसिक मीडियम काम करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी प्रोटीन्स को डाइज करता है, ये भी करेगा क्या डिफरेंस देखो, जो पहला वाला वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, पहला वाला जो है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, और जो सेकंड वाला बेटा वो जो पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स और आपका एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, जो कि जो ये वो फॉर्म है जो ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब पहले स्टमक में गया, स्टमक में जो प्रोटीन्स था पेप्टोन्स में बदला, और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे आया जो फूड आपका, तब वो जो पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया। आया सभी को, तो ये परफेक्ट सिनेरियो था, बहुत मजा आया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जब एयर को ब्लोन किया गया माउथ, देखो व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब, यहां से एयर को ब्लोन किया गया है किस बेटा एक टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हुआ है, लाइम वाटर रखा हुआ है, लाइम वाटर क्या होता है केमिस्ट्री तो भैया फेवरेट है आपकी ना, लाइम वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वेस सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोला जाता है। हम क्या देखते हैं कि लाइम वाटर जो मिल्की हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आप मुझे बताओ लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब उसमें क्या पास कराया जाए CO2 गैस, मतलब यहाँ से कौन सा गैस आया CO2, तो कौन सा केमिकल रिएक्शन यहाँ टेक्स प्लेस करा, क्या रिलेट कर सकते, बहुत सिंपल है। तो CO2 जब का CO2 किससे कमेंट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, और क्या बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर बन जाता है। अब क्यों आपका व्हाइटनेस आया, क्यों आपका मिल्कीनेस आया, सुनो आपका ये चीज जो बना है CaCO3 ये कौन से रंग का प्रेसिपिटेट होता है, तो आंसर दोगे सर ये जो ना ये व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, फिर से बोला जाए ये आपके व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, फिर से बोला जाए ये आपके व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। तो आप मुझे बताओ जब अपने लाइम वाटर में से CO2 गैस को पास कराया तो लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की, क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट है, चलेगा। आपसे क्या पूछा हुआ, आपसे बोला बताओ कि जब एयर को ब्लोन किया गया तो ऐसे में क्यों लाइम वाटर मिल्की हुआ, ये किसके प्रेजेंस को दर्शा रहा है, डैम श्योर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो मैं आपसे क्वेश्चन है, वैसे हम एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल में कर भी चुके हैं कि क्या आप SO2 गैस और H2 गैस को और ऑक्सीजन को कन्फर्म करने के लिए कोई टेस्ट जानते हो, अगर नहीं तो अपने एग्जाम्पल मिस किया हुआ जाके कंप्लीट करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, क्या बात है हम सब पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन, अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझा जाए कि रेस्पिरेशन क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं उस खाने से जो एनर्जी रिलीज होता है, द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक ही चीज है, ध्यान देना बेटा O2 CO2 बाहर गया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये दो चीज को मिला दोगे तो ब्रीथिंग बनेगा, लेकिन हमारे खाने से ऑक्सीजन कंबाइन करता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसे क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन है। अब क्वेश्चन ये कि क्या ऑक्सीजन कंबाइन करेगा
तब ही एनर्जी बनती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे भी आपका रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है, किस में, आपके एनारोबिक जो बैक्टीरिया है जैसे ईस्ट हो गया, और जो फर्मेंटेशन में यही कराया जाता है, तो वही पूछे करते हैं। आज आज क्या पूछा आपसे, द करेक्ट सीक्वेंस, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट है, मतलब एनारोबिक मोड की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, डैम श्योर ये आपका एब्सेंस में ही टेक्स प्लेस करेगा, और ये आपका सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में टेक्स प्लेस करता है। अब ध्यान से देखा जाए, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, जहां आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखे तुरंत काट दिया जाए, इसे काट दिया जाए, इसे भी काट दिया जाए, परफेक्ट है आपका। और ईस्ट की बात कर रहा है, और ईस्ट के केस में था लैक्टिक एसिड नहीं बनता, तो क्या हो जाएगा इसका डैम श्योर आंसर, इसका डैम श्योर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज से क्या बनेगा, जानना सीख भी लो, ग्लूकोज से बनेगा पाइरूवेट, और कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है, और इसी प्रोसेस को प्यार से क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है। उसके बाद जो पाइरूवेट है, जो कि ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल चेंज हुआ पाइरूवेट है, और वो साइटोप्लाज्म ब्रेक हो क्या बनेगा, एथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में एनर्जी तो बनेगा, एनर्जी तो बनना ही बनना चलेगा। दैट्स द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी है। नीचे आ जाओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ही बोलते हैं फर्मेंट ना, ये जो रिएक्शन ना, ये सेम रिएक्शन फर्मेंटेशन में आती है, मतलब फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, माय डियर एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन आपका स्टार्टिंग जो फेज है, जो ग्लूकोज से पाइरेट बनता है, ध्यान देना, ग्लूकोज से जो पाइरेट बनेगा, चाहे वो एरोबिक मोड हो चाहे वो एनारोबिक मोड हो, दोनों सब में कॉमन होता है, सब में ही कॉमन होगा। तो आज हो क्या, तो चीज तो गलत हो गया, अब चाहे ना, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज वो सेम है, तो आपका ये होगा बी सी डी में आप करते हैं। अब ध्यान से देखा जाए, उसके बाद जब पाइरूवेट बन जाएगा, अब तो पाइरूवेट से क्या बनेगा आपका, एनर्जी बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक्स प्लेस करेगा। तो ऐसे आप खुद ध्यान देखा जाए, और जब ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता ना, तब भी एनर्जी बनती है ना, तो ग्लूकोज से परफेक्ट, यस ग्लूकोज से बना चाहिए आपका, बच्चे वन सेकेंड, यस ग्लूकोज से बना पाइरूवेट है, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, उसके बाद जो पाइरूवेट टूट गया फिर से आपका एनर्जी बना रहा है। दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर इस क्वेश्चन है, ध्यान देना, बच्चे सोचते हैं सर सारे सेम ही, तो ना जी ना, सेम नीड़ा सेम ही है, उसका आंसर ये हो जाएगा। आया सभी को, यस सर आ चुका है, तभी तो पढ़ा होगा आपने कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, परफेक्ट है। किन बच्चों को पता था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कंफ्यूज करता है बच्चों अक्सर। आप मुझे बताओ, जब सांस लेते हो, जब इनहेलेशन करते हो, तो आप करके देखो क्या आपकी चेस्ट कैविटी वो बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है, ध्यान चिपका, चेस्ट कैविटी बाहर की अंदर, देखो तो आपकी चेस्ट कैविटी बाहर आएगी, फिर से बोला जाए, जब सांस लोगे चेस्ट कैविटी बाहर आएगी, चलेगा, उसके बाद जब एक्सहेल करोगे, जब इनहेल किया तो बाहर, जब एक्सहेल करोगे माय डियर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपकी चेस्ट कैविटी अंदर चली जाती है, क्यों, बिकॉज आपका स्पेस कम है, देखो आपने इनहेल किया एयर गया तो बाहर आ गए, और जो एक्सहेल करोगे तो ये अंदर चली जाएगी, परफेक्ट है। आ जाओ अब तो आप कर लोगे, आ जाओ क्या कुछ इस तरीके से, देखो लॉजिक है, आ जाओ देखो, जब एयर को ब्लोन किया, अच्छा अंदर गया, जब इनहेलेशन हुआ, तो इनहेलेशन के टाइम पे जो हमारी चेस्ट कैविटी है, जो रिब्स है, वो क्या बाहर की तरफ आएंगे, बोले तो क्या आउटवर्ड्स है, और सेम चीज जब आपका बाहर जाएगा एयर, जब एक्सहेलेशन होगा, एक्सहेलेशन के केस में क्या हो जाएगा, रिब्स आपके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, बोले तो क्या आप बोल सकते हो कि जब उससे बाहर है उसमें अंदर जा रहा है, चलेगा, इसमें आउटवर्ड्स है, इसमें क्या आपका इसमें इनवर्ड्स हो जाएगा, परफेक्ट है। यस सुनो, अब आ जाओ क्या बोला, देखो ये, और जो नीचे देखो क्या, देखो जब आपने सांस लो आप करोगे, तो आपको जो डायफ्रैग्राम वो नीचे की तरफ, देखो तो ये चेस्ट बाहर है और वो नीचे जा रहा है, क्या आपका डायफ्रैग्राम से नीचे जाएगा, चलेगा, और इसी का उल्टा, यहाँ जाओ, जब एक्सहेल करोगे तो आपका डायफ्रैग्राम ऊपर की तरफ पड़ेगा, है ना, अच्छा उल्टे ना, आ चुके हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड, फालतू बातें कर दिया, जब इनहेलेशन हो रहा है तो रिब्स सोचे क्या अंदर जाएंगे, ना चेक गलत हो गया, तो चेक काट दिया जाए। आ जाओ इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और ये वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है, मींस इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस है, और ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई एयर डिफ्यूज करता है ओके ब्लड पे, और क्या आपका क्या, यस, और ब्लड आता है आपका बॉडी पार्ट से आपका बाहर की तरफ, यस, ठीक है, ये ठीक है, आगे आ जाओ। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, क्या हीमोग्लोबिन आपका, देखो ऐसा कुछ मान लो कि हीमोग्लोबिन है, सिंपल सी भाषा में CO2 है और ये ऑक्सीजन है, तो यारा तेरी यारी मैंने खुदा मानी, इसके ये भी दोस्त है और ये भी दोस्त है,
पूछा जाए कि सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कौन है इन दोनों पे, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपका ऑक्सीजन होगा, उसके बाद CO2 होगा। यानी ये क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर अफिनिटी फॉर CO2, ना जीना ज्यादा नहीं होता, कम होता, चलेगा 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 आ जाओ। और एल्वियोला यस फॉर्म बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उसके बाद बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, तो कहीं ना कहीं सर्फेस एरिया को इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। तो कौन कौन से करेक्ट बेटा, सेकेंड एंड फोर्थ इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कितना प्यारा क्वेश्चन था, आराम से हंसते खेले पेट दिया। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा इस बातों को नोट डाउन कर लेना कि जब भी इनहेलेशन होगा चेस्ट कैविटी बाहर, डायफ्राम नीचे, और जब एक्सहेलेशन होगा आपकी जो रिब केज आपका आउट अंदर चला गया और साथ में जो डायफ्राम आपका ऊपर की तरफ चला जाता है। आया छे परफेक्ट, आ जाओ आ जाओ। विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के लिए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। अब अच्छे आपके सामने जो डायग्राम बेटा ये किसका है, ये है आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार फिर से बोला जाए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आप छोटे ध्यान से सोचे क्या, देखो यहाँ पर बाहर जो दो छेद होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं बेटा, नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। उसके बाद वहां से गया फिर कहां पर, नेसल कैविटी में। उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक क्या, जुगाड़ है, बोलो क्या है, पलटा। फिर से बोला जाए बेटा, पलटा। प से क्या है, प से क्या आपका, प से आपका है फैरनेक्स, प से क्या आपका फैरनेक्स है। ल से क्या बेटा आपका, लारनेक्स है, बिकॉज कंफ्यूजिंग होता है। ट से क्या, ट से आपका ट्रैकिया, मतलब ध्यान में प ल ट ही होगा। देखो फैरनेक्स लारनेक्स और जब बोलेगा ट्रैकिया चलेगा, फैरनेक्स लारनेक्स और ट्रैकिया। उसका ट्रैकिया डिवाइड होता है किसमें से आपका, ब्रोंकी में, और ब्रोंकी से किसमें आपके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ब्रोंकियोल्स के एंड में कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को एल्वियोलाई का नाम दिया जाता है। चलेगा यस, अब आ जाओ ढूंढो प ल ट, प ल ट देखो क्या है, ल पटा हटा दिया जाए, प यस ट पल हटा दिया जाए, न पल हटा दिया जाए, बचा कौन सा, पल ट यस। तो नॉस्ट्रिल से एंट्री हुई और आपका एल्वियोला में जाके एक्सचेंज हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छोटी छोटी बात प्लीज नोट डाउन करना, बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। आगे आ जाओ, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, बहुत सिंपल है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है, कहां सोचा जाए, ट्रेकिया और लैरिंक्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई एंड थ्रोट, एंड थ्रोट एंड लैरिंक्स है। हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, ये थ्रोट के हटा और से हटा दिया जाए, यस। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर है। आपका जो एल्वियोलाई है, पूछा जाता नेम द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, व्हाट विल योर आंसर, एल्वियोलाई। चलेगा यस सर, दौड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन आपका 17 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 को करने से पहले आप मुझे बताओ, क्या सब बच्चे को ये डायग्राम क्लियर है, क्या ये फ्लो चार्ट क्लियर है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर दिखाया गया डबल सर्कुलेशन को। क्या होता है डबल सर्कुलेशन है, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, ह्यूमन बींग्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो एक कंप्लीट साइकिल में हर्ट से दो बार ब्लड फ्लो करता है, तभी तो इसको डबल सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है। परफेक्ट है, एक बार हल्का सा समराइज करता हूं, तो है क्या आपका, हुआ क्या, बाहर से क्या है बेटा, बाहर से ऑक्सीजन आया, ठीक है, लंग्स के पास है। अब लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने उस ऑक्सीजन को भेजा किसके पास, आपका ऑक्सीजन, और किसके थ्रू भेजा, ब्लड के थ्रू है, नाम क्या दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोले तो क्या, ऐसा ब्लड जो कि रिच है, ध्यान देना, ऐसा ब्लड जो कि रिच है किसमें, आपका ऑक्सीजन पे, ऐसे ब्लड को बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब पहला स्टेप क्या हुआ, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आया, हार्ट के सबसे पहले चैम्बर पे। हार्ट के आपके चार चैम्बर्स हैं, ऊपर के दो चैम्बर्स को बोलते हैं आपके आर्टरिया, और नीचे के दो वेंट्रिकल हैं, तो दो आर्टरिया हैं और दो वेंट्रिकल्स हैं। चलेगा, जो हमारा राइट होगा या लेफ्ट होगा, तो ये है लेफ्ट आर्टरियम और ये आपका है राइट आर्टरियम, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आपका क्या, राइट वेंट्रिकल। चलेगा, सबसे पहले क्या हुआ, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आया, आपका आर्टरियम के पास, मतलब हार्ट के पास आया, मतलब पहले में क्या हुआ, लंग से हार्ट की तरफ आया। और ध्यान देना, हार्ट की तरफ हमेशा जो ब्लड लेके आता है वो कौन सा ब्लड वेसल होगा, वो कौन सा ब्लड वेसल होगा, वो आपका यस वीन होगा। हार्ट के पास, ध्यान देना, हार्ट के पास जो भी लेके आएगा उसे वीन ही कहोगे, चाहे वो ऑक्सी लेके आए, चाहे डीऑक्सी। तभी तो यहाँ पर देखो क्या है, देखो ये ऐसा वीन है, कोई पूछा ना ये वीन है, वीन होने के बावजूद कैसे ब्लड को कैरी कर रहा है बेटा, वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इसका ना ये एक्सेप्शन है। नेम द वीन दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या आंसर दोगे, पल्मोनरी। इसके अलावा जितने वीन्स होते हैं वो कैसे ब्लड को कैरी करते हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। चलेगा, आ जाओ। अब क्या हुआ, जब इस ये लेफ्ट आर्ट्रियम ब्लड को रिसीव कर रहा था तो क्या होगा, फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। चलेगा, उसके ब्लड आ चुका है लेफ्ट आर्टरियम पास, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, देखो ये पहला स्टेप हो चुका है, दूसरे स्टेप बेटा कहां, आपका लेफ्ट आर्टरियम से नीचे आ जाएगा, कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास है। ये कैसे हुआ, सेम वही कहानी है, लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हुआ। आगे चपका, उसके लेफ्ट वेंट्रिकल पे कैसा ब्लड आया, अभी तक देखा जाए हार्ट से कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड है। अब बचे क्या, उसके चला जाएगा वहां से कहां पर, बॉडी ऑर्गन्स के पास चला जाए। क्यों गया, बिकॉज बॉडी
ऑर्गन्स मतलब सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वहां पर क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो रेस्पायर कर पाएंगे, तभी तो एनर्जी बनाएंगे। तो ऐसे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब क्या हो, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट में चला गया और किसके थ्रू जाता है आपका? यस एग्जैक्टली माय डियर, लार्जेस्ट आर्टरी, ध्यान देना चाहिए लिखा जाए इसको, लार्जेस्ट आर्टरी के थ्रू जाते हैं। और लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी बेटा? आपका आउटा, फिर से बोला जाए आउटा, चलेगा आउटा इज द लार्जेस्ट, कौन सा लार्जेस्ट आपका आर्टरी फाउंड इन द ह्यूमंस है। उसके बाद क्या है, अब बॉडी ऑर्गन्स में वहां से कैसा ब्लड गया था? ऑक्सीजनेटेड है, चलेगा, तो उस ऑक्सीजन का यूज करके उन्होंने रेस्पायर किया, एनर्जी बनाया, फूड को ब्रेक किया, एनर्जी बनाया, और अब एनर्जी बनाने के बाद क्या देंगे? CO2 है। अब वो जो CO2 बेटा सेम वही कहानी है, ब्लड से कंबाइन कर जाएगा, परफेक्ट है। अब बताओ यहां तक क्या था, ऐसा ब्लड जो कि ऑक्सीजन ब्रिज था, अब यहां पर कैसा है, ऐसा ब्लड जो कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है, और ऐसे ब्लड को क्या नाम दिया जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये करते 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 कहां है आपका? राइट आर्टरी में लिखा जाए यहां पर, किसकी मदद से आते हैं बेटा? सुपीरियर एंड, बोलो आपको क्या है? सुपीरियर एंड इनफीरियर वेना कावा, सुपीरियर एंड इनफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, चलेगा चलेगा चलेगा। ये सर कहां है बेटा? देखो राइट आर्टरी में, है ना। अब बताओ मुझे राइट आर्टरी में जब ब्लड एंटर करा कैसा करा? डीऑक्सी के ऑक्सी, तो डीऑक्सी है। आप नोटिस करोगे लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन अब राइट आर्टरियम, उसके राइट आर्टरियम से कहां जाएगा? नीचे जाएगा, नीचे क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल, और वहां से फिर क्या चला जाएगा? लंग्स के पास है, और सेम वही कहानी है, जब हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाना होता है। देखो यहां पर देखो, हार्ट से दूर गया बेटा, हार्ट से दूर गया, किसको याद किया? आर्टरी को। सेम वही कहानी है, जब भी हार्ट से दूर लेके जाओगे आर्टरी को ही याद करना है। अब आर्टरी आया, और ये ऐसा आर्टरी, ये भी एक्सेप्शन है, ये ऐसा आर्टरी है जो हमेशा यस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, एक्सेप्शन है, आर्टरी करते हैं ऑक्सी को, लेकिन ये ऐसा आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता, कहां गया? लंग्स के पास, और लंग्स से बाहर CO2 निकाल दिया, चलेगा। तो ये होता है। अब मुझे बताओ एक कंप्लीट साइकिल में, पहले ब्लड कहां फ्लो किया? लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके बाद कहां किया? राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरी, मतलब एक साइकिल में दो बार हार्ट से ब्लड फ्लो करता है, तभी तो इसको डबल सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है। मेरे ख्याल से इतनी बातें बहुत हैं, तो हमने हल्का सा अपने आइडिया ले लिया है। जब भी आपके एग्जाम पे आप क्या करोगे, आप फटाफट चार गोले, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, और ये बना लोगे, बच्चे बोलोगे आपका ये बना लेना आप, यस लंग्स, और नीचे बोलोगे आपका यस बॉडी पार्ट्स है। अब आप खुद लॉजिक लगाते जाना, जो बोलोगे आपका हाँ बोर्ड कह रहा हूँ, देखो CBSE बोर्ड का इतना खौफ है कि मैं यहाँ बोर्ड लिख रहा हूँ, सच यहाँ पर आ जाए, आप बोलोगे चप्पे यस ये बॉडी ऑर्गन से, आप देखो क्या है, तो ये पहले यहाँ से यहाँ आएगा फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फिर आपका फोर्थ है ना, फिफ्थ, आपका सिक्स्थ, ऐसे ना, तो आपको ये याद होना चाहिए। आ जाओ अब देख करते हैं, देखो आप क्या करते हैं, यहाँ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कौन सा ट्रू है बच्चे? एक काम करो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज अब मैं इसको यहाँ इरेज करने वाला हूँ, यहाँ ओवरलैप हो जाएगा ना, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करूँ, ठीक है। चलो चलो चलो, क्या है, मिट जा ओ दिल दीवाने, जल्दी से मिट जा रे, महंगी रबड़ लाया हूँ। चलो क्या, देखो लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, अभी यहां तक बात ठीक थी, लेकिन जब आगे गए ये कहां से ऐसा ब्लड लेके आता है, तो वो लंग से, सर ये गलत है, चपका तो गलत है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल कौन सा, इसको याद किया जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वाइल राइट वेंट्रिकल, देखो राइट वेंट्रिकल पंप करेगा डीऑक्सी टू लंग्स से, बात में दम, तो यार बात में परफेक्ट दम है, आगे बढ़ा जाए। लेफ्ट आर्टरियम कौन सा, लेफ्ट आर्टरियम ये रचे, लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, ना जी ना, आपका देखो चपका विसोचो जाए, लेफ्ट आर्टरियम तो माय डियर किसको भेजता है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल को, ये राइट कह रहा है, ये भी गलत हो गया। आ जाओ नीचे आ जाओ, राइट आर्टरियम ये वाला, राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सी कहां से, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा पंप करेगा ऑक्सी टू, यस परफेक्ट बेटा यार, तो यस कौन कौन सा आपका, सेकंड एंड फोर्थ इज राइट आंसर, मोर देन सेकंड एंड फोर्थ, आ जाओ रे आ जाओ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना अच्छा ना आपने सीखा, फिर क्वेश्चन किया, डटना बिल्कुल नहीं बेटा, ये कंप्लीट था, ये काफी चीज आप यहाँ सीख चुके हो, आगे बढ़ा जाए। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो, आपने सुना होगा क्या बैक फ्लो को रोकता है, इस एनिमेशन को ध्यान से देखा जाए। देखो चलो क्या है, ये ब्लड आया गया आपका, देखो ब्लड आया गया, यहाँ कुछ दिखे, कुछ दिख रहा है, देखो ये वाला और ये वाला कुछ दिख रहा है आपका, ये सुना क्या देखिए दिख रहा है, ये और यहाँ भी है, चलो चलेगा। अब ध्यान ये है क्या, ये देखो क्या, ये जो है ना ये वाला और ये वाला, ये एंश्योर करते हैं कि ब्लड आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ये ना चाहिए मतलब वापिस ना चले जाए। देखो आया, देखो बंद हो चुका है, बंद हो गया ना, देखो फिर आया खुल गया चला गया, अब एक को ध्यान रखो, फिर आया खुल गया
ना, तो ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि ब्लड आपका एक ही डायरेक्शन फ्लो करे। इसे क्या बोलते हैं, इसे आपका यस बोला जाता है, वाल्व्स माय डियर, बोलो कि आपका वाल्व्स बोला जाता है, चलेगा। यस सर, वैसे वाल्व्स के नाम फॉर क्लास 10 आप लर्न नहीं कर रहे हैं, एक जब क्लास 11 में जाओगे तो नाम देंगे, इसे उसे के देखो दिख रहा है, बाइक का स्पीड हो गया, ट्राइक का स्पीड हो गया, आपका ये सेमिनल है, तो ये सब नाम है, परफेक्ट बोलो है ना। यस सर, आगे बढ़ते हैं, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर, अरे वाह क्या बात है, ये बच्चे परफेक्ट सिनेरियो सीखना जरूरी है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बच्चे है कि आप हल्का सा आइडिया ले लो। देखो ये जो आपके पास सर्कुलेशन दिखा रखा है, ये आपका फिशेस का है, ये आपका फिशेस, बोले तो कौन सी फैमिली बेटा, इसे बोला जाता है पाइसिस फैमिली, फिर से बोला आपका पाइसिस फैमिली, चलेगा। और ये बेटा बोलो कि ये आपके पास ये जो दिखा रखा है, ये आपका है एम्फीबियंस और बच्चे के आपके पास रेप्टाइल्स का दिखा रखा है, इस तरफ बच्चे कौन आपका, ये बच्चे हमारे पास यस, ये आपका है बर्ड्स का, बर्ड्स हो गया आपका, मैमल्स हो गया, जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। ये चीज क्या, देखो आप सब ध्यान से देखो यहाँ पर है क्या, तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ फिशेस के पास कितने चैम्बर के हार्ट हैं, सर वो दो चैम्बर है, कौन कौन से आपका, ये सबका आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है। यहाँ पर आज हो चुके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, प्लीज लिख लेना से, इनके पास हो चुके दो तो आर्ट्रियम है और आपका एक वेंट्रिकल है, तो बोलो क्या है सर, यहाँ सीखा क्या, 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान से सीखना, बिकॉज क्वेश्चन तो कर लोगे, कंसेप्ट सीखो, 3 चैम्बर का हार्ट होता है। और यहाँ मुझे कौन सा आपके पास, सर ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 4 चैम्बर का हार्ट है, 4 चैम्बर का हार्ट है, जो हमें देखा भी था, ठीक है, चलो है क्या। अब अच्छा है क्या, देखो फिश में कैसे सर्कुलेशन टेक्स प्लेस करता है, एम्फीबियंस और फिशेस और रेप्टाइल्स का आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीखो ये, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। देखो हुआ क्या कि बाहर से बेटा माउथ है, माउथ से क्या लिया, माउथ से वाटर लिया, और उस वाटर में है क्या, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, तो वो कहां पहुंच जाता है, वो आपका माउथ से एंट्री किया, और कहां पहुंच जाएगा बेटा, गिल्स से, ध्यान देना अभी हार्ट का रोल ही नहीं है, अभी तक हार्ट का रोल नहीं आएगा, कब आएगा, देखो चेक है, तो कहां पहुंचे बेटा आपका, यस गिल्स से पहुंच गया। अब गिल्स ने क्या किया, गिल्स ने पूरे बॉडी पार्ट में, गिल्स ने मतलब वही आपका सेम कहानी है, अब यहाँ आर्टरीज होंगी, तो गिल्स ने सप्लाई कर दिया पूरे बॉडी पार्ट्स में, चलेगा। इसका मतलब अभी तक गिल्स ने प्रेशर दिया करते 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 कहां चला गया, पूरे बॉडी पार्ट्स में, और जब बॉडी पार्ट्स में गया होगा तो वहां ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या बनाया होगा, परफेक्ट है, आपका एनर्जी बनाया होगा, एनर्जी बनाने के साथ साथ क्या बना होगा, CO2 है। इसका मतलब अभी तक कैसा ब्लड फ्लो कर रहा था, अभी तक सर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा था, हार्ट से नहीं आपका बॉडी से, चलेगा। लेकिन करते कर ठीक है, अब जो एनर्जी बनाया तो CO2 भी बनाया होगा, परफेक्ट आपका CO2 रिलीज होगा। अब वो CO2 जो करते करते कहां पहुंचा, यस अब एंट्री हुई है, इसका मतलब अब कौन सा ब्लड बेटा, अब वो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कहां एंटर कर रहा है, यस हमेशा रिसीविंग ब्लड को रिसीव कौन करेंगे, हमेशा आर्ट्रियम ही करेंगे, ध्यान देना आर्ट्रियम आपके रिसीविंग चैम्बर होते हैं, चाहे वो एम्फीबियंस हो चाहे वो बर्ड्स मैमल्स हो, तो ये रिसीव करके किसने आर्ट्रियम ने, और फिर आर्ट्रियम से कहां चला गया, यस आपका एक वेंट्रिकल वहां चला गया, उसके बाद चला गया चिगल्स में, और यहां से CO2 बाहर निकल गया, आया नहीं चिपका। तो इस तरीके से, तो आप ध्यान से सोच के मुझे बताना, ये पूरे एक साइकिल पर, जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट हुआ, हार्ट से कितनी बार ब्लड फ्लो किया, तो आप सभी के मुंह से निकलेगा सर एक बार हुआ, चलेगा। तभी तो फिश में जो सर्कुलेशन होता है उसे क्या नाम देते हैं, उसे नाम दिया जाता है सिंगल सर्कुलेशन, फिर से बोला जाए बेटा, सिंगल सर्कुलेशन बोला जाता है, चलेगा। यस सर दौड़ेगा, परफेक्ट है, बोलो है ना, यस सर है। अब अच्छी है क्या, दूसरी बात है, अगर ध्यान से देखा जाए फिशेस के हार्ट में से कैसा ब्लड फ्लो होता है, क्या ऑक्सी या डीऑक्सी, आंसर एक ही निकलना चाहिए सर आपका, ये की पॉइंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से बोला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करेगा, चलेगा। यस सर दौड़ेगा। अब यहाँ पर आज ठीक है, जो सेम वही कहानी है, यहाँ तो बच्चे वही लगभग वही कहानी है, लंग्स है या स्किन है, वहां से क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आपका आर्ट्रियम के पास आया, आर्ट्रियम के बाद देखो यहाँ डैम शोर है, नीचे वाला तो है नहीं, बिकॉज हम ये पढ़ चुके बेटा, नीचे वाला वन सेकंड बेटा, नीचे वाला तो यहाँ पर है नहीं बेटा, आज के देखो नीचे यहाँ पर ये वेंट्रिकल तो यहाँ पर है नहीं, बिकॉज यहाँ पर एक ही वेंट्रिकल है, तो आपका आरटीएम आया, फिर आरटीएम से होते हुए तब ये आपको चला गया, कहाँ पर आपका, ये बॉडी पार्ट्स में, सेम वही कहानी, ऑक्सीजन यूज करेंगे और CO2 बनाएंगे, करते करते आप कहाँ से सेम आपका आरटीएम पे आया, तो वेंट्रिकल से होते हुए आपको बाहर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डबल सर्कुलेशन तो है, लेकिन इसे क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे पार्शियल डबल सर्कुलेशन, फिर से बोला जाए पार्शियल डबल सर्कुलेशन का इसे नाम दिया जाएगा। और ये वाला तो हमने डिस्कस किया है आपका, इसे क्या बोलते हैं आपका डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। तो कोई पूछे बताओ फिशेस और आपका मैमल्स और बर्ड्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हार्ट से एक बार ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पर हार्ट से दो बार करेगा, तो इसे सिंगल सर्कुलेशन वैसे बोल के इसे बोला जाएगा बेटा डबल सर्कुलेशन, चलेगा। यस सर दौड़ेगा। अब इतना सारा फॉर्म क्यों भरा, यहाँ से बस मेन बात ध्यान रखना क्या, कि फिशेस में आपके हार्ट से डीऑक्सी ब्लड ही फ्लो करता है, दूसरी बात बोलो क्या है कि फिश में सिंगल सर्कुलेशन है, और लंग्स और जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर वो चेक है, यहाँ पर पार्शियल डबल सर्कुलेशन है और यहाँ पर डबल सर्कुलेशन है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये रहा क्वेश्चन है, देखो क्या क्या सिंगल सर्कुलेशन किसमें, सिंगल सर्कुलेशन बोले तो क्या, देखो ब्लड फ्लोज
through the heart only once during one cycle of passage through the body is exhibited by. अब यहाँ पर आपके A, B, C, D कैसे किया जाए? इसका मतलब कि आप ऐसे options के साथ जाओगे जो fishes की family है. चलेगा? तो आप ध्यान दोगे. Whale तो mammal है, हटा दिया जाए. ठीक है सबका. अब इसी देखो क्या, ये chameleon, salamander, अच्छा पता नहीं, देखो जरा chameleon ये किसके अंदर आता है, ये आपके आते हैं amphibian, ये आपको reptiles के अंदर आया. चलेगा? परफेक्ट है सबका. आ चुके हैं और यहाँ पर चुके देखो, और आपका ये रहा हाइला रेना ड्रैको. देखो हाइला रेना ड्रैको चाहिए किसमें आता था, ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं, आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर है, तो हटा दीजिए. बचा कौन सा ऑप्शन था, बचा कौन सा आपका ऑप्शन बी बचा, ये हिप्पोकैम्पस ये रहा बेटा, एग्जोकिटस ये रहा, और जो एनाबास ये रहा, ये सब आपके फिशेस की फैमिली के आते हैं. तो क्या फिशेस की फैमिली है, तो डैम श्योर है यहाँ से ब्लड आपका ब्लड एक ही बार फ्लो करेगा, मतलब सिंगल सर्कुलेशन है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है. अब सर एग्जाम पे कैसे ध्यान आएगा कि हमें यही आंसर है बेटा, जान दो कुछ ही ध्यान नहीं पड़ेगा. तो ऑब्वियसली बात है ये तो हट ही जाएगा, ये भी हट गया. अब बचे दो ऑप्शन जहां पर बस नाम ध्यान में कि हाइला ड्रैना ड्रैगो क्या बेटा आपके, ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की हमने क्या आते हैं. चलेगा देखो, चलो क्या मेरा आपसे क्वेश्चन, ये कौन है, ठीक है ये कौन है और ये कौन है, इसका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन, जरूर देना माय डियर, जरूर देना. चलो क्या है, आगे बढ़ा जाए. यस सर, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे ग्रुप या ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी देखा है कि भैया एम्फीबियंस में होता है, अभी देखा रेप्टाइल्स में भी होता है, अभी देखा कि मैमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, लेकिन आपका यस सर फिशेस में हमेशा डीऑक्सी ब्लड ही फ्लो करेगा. और ये रहा दिख रहा है, ये तो हार्ट ये रहा चाहिए वेंट्रिकल आर्टरी में, यहां से कैसा ब्लड फ्लो करेगा सर, लिखा जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर से बोला जाए बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. चलेगा यस सर, दौड़ेगा. तो आ जाओ, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एम्फीबियंस भी बचा कौन सा, यस मछली का परिवार पाइसेस फैमिली इज द राइट आंसर. मजा आया बच्चे, यस आ जाओ क्या क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है. ये क्वेश्चन किससे है आपका, ये क्वेश्चन हमसे आपका आया, यस आपका बोलो क्या ब्लड वेसल से. तीन तरह के होते हैं, आर्टरीज वीन्स और कैपिलरीज है. आर्टरीज हमेशा ध्यान देना, आर्टरीज हमेशा हार्ट से दूर लेके ब्लड को जाएगा. ये मत रटो कि ऑक्सी डीऑक्सी को ध्यान रखो, हार्ट हमेशा बोलो क्या होगा, यस हार्ट वन सेकेंड आपका वीन, सो सॉरी माय डियर क्या कर रहा हूं मैं, यस अच्छा आर्टरीज हमेशा क्या करेगा हार्ट से, लिखा जाए इसको आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाएगा. दूर लेके जाए कौन बेटा, आपकी आर्टरी लेके जाएगा. ये फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सी की डीऑक्सी, ऐसे ऑक्सी ही करेगा. और सेम है आपका, और जो वीन्स है वीन्स हमेशा हार्ट के पास आएगा, हार्ट के पास ब्लड लेके आने काम किसका बेटा, वीन का. ये डिफरेंस ध्यान रखना चलेगा. और जब भी हार्ट से दूर जाता है तो ब्लड हमेशा ज्यादा प्रेशर पे फ्लो करता है, तो ऐसे में चेक है इसका मतलब ये बोल सकते हो कि आर्टरी जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है पल्मोनरी को छोड़ के. और सेवन वीन में चेक कैसा, वीन आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता चलेगा, यस जाओ. और साथ में ऐसा भी समझ सकते हो कि आर्टरीज और वीन्स को जोड़ने का काम कौन करता है, वो करता आपका कैपिलरी. जो चलिए आपका आर्टरी हो गया और ये वीन है, दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, कैपिलरी में. अब आर्टरीज के छोटे डिवीजन को क्या बोलते हैं आपका, आर्टरी और सेवन छे क्या वेन्यूल है. देखो वीन के ही छोटे डिवीजन को क्या बोला जाता है, वेन्यूल. चलेगा उसके बाद है, तो क्या क्या सीखा, पहली बात तो आर्टरीज बच्चे कैसे होते हैं, आर्टरीज हमेशा हार्ट से दूर लेके जाएगा, और जब भी ब्लड हार्ट से दूर जाता है उस केस में हाई प्रेशर पे होता है. चलेगा बेटा, हाई प्रेशर पे होगा. तो अगर हाई प्रेशर पे तो मुझे बताओ इसकी जो वॉल्स है वो थिक होनी चाहिए कि थिन होनी चाहिए, डैम श्योर सर ये जो थिक होनी चाहिए. इसी को उल्टा कर दो, वीन्स जब भी ब्लड लेके आएगा डीऑक्सी तो लेस प्रेशर पे होता है, तो ऐसे में चेक है इसकी जो वॉल्स वो आपके थिन होते हैं. चलेगा, और साथ में वीन में डीऑक्सी ब्लड फ्लो करते हैं, तो हम चाहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ना जाए, तो ऐसे में क्या इनके पास क्या होते हैं बेटा, इनके पास वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके आर्टरीज के पास वाल्व्स एब्सेंट होते हैं. फिर से बोला जाए वाल्व्स आपके एब्सेंट होते हैं. अब ऐसे ऑप्शन ढूंढते हैं, देखो यस आर्टरीज की बात कर रहे हैं, देखो थिक है ओके ठीक था, ब्लड फ्लो सेंटर हाई प्रेशर ठीक था, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट नाजिना गलत है. जब कही कह रहा है कि हार्ट के पास लेके जाता गलत है, हमेशा हार्ट से दूर लेके जाएगा, यहाँ लिखा भी नोट कर सकते हो, से नोट कर सकते मैं हटा दिया जाए. दे हैव थिन वॉल्स विथ थिन वॉल्स ठीक है गलत ना थिन वॉल्स से गलत आ जाओ. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स है, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर गलत हो जाएगा. तो डैम श्योर इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन डी है, पढ़ भी लो. देखो दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्स इन साइड, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज द राइट आंसर. और इफ समवन आस्क यू ऐसा कौन सा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, तो आप आंसर देना बेटा क्या, पल्मनरी आर्टरी.
बढ़ा जाए, यस। मैंने आपसे क्या बोला, वो सीखना, ये सारी चीजें बहुत कम आने वाली है, आ जाओ रे आ जाओ। ये तो बहुत ही सिंपल है माय डियर। क्या देखा आपके पास, क्या है द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी है यूरेटर। बच्चे यहाँ पर न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स में कंफ्यूज होते हैं चिताना, न्यूफ्रॉन्स इज द राइट आंसर बिकॉज दोनों सुनने पे एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, और नेफ्रॉन्स के अंदर ही फिल्ट्रेशन है ना, तीन स्टेप जानना, फिल्ट्रेशन और अगला क्या होता है रीअब्सॉर्प्शन, और तीसरा बच्चे क्या आपका तीसरा रीअब्सॉर्प्शन और तीसरा होता है सीक्रेशन है। ये तीनों स्टेप इसी दौरान टेक्स करते हैं, और ये हम कब सीखेंगे एग्जाम्पलर में ही। वेट करो एग्जाम्पलर के लास्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वहां पर एक क्वेश्चन आएगा जहां डिटेल में इसके फंक्शन को डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए इसका आंसर क्या नेफ्रॉन्स। आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो है क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, बहुत बार आने वाला है, बहुत आने वाला है। जो है क्या देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सन मतलब सोलर एनर्जी और आपका क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट क्या बनाता है, प्लांट बनाएगा कार्बोहाइड्रेट है प्लस में वाटर प्लस में आपका ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं, अब वो भी सीक्वेंस में सबसे पहले क्या होगा, ये जो सन एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा क्लोरोफिल के द्वारा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सन एनर्जी या सोलर एनर्जी बाय द क्लोरोफिल है। सेकंड पे क्या होता है, सेकंड में क्या होगा, देखो आपके पास ये जो कार्बन ये ना ये जो आपका जो ये जो यस आपका जो सोलर एनर्जी है आपका जो बेटा सोलर एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, चलेगा बोलो यस चाहिए सुनोगे ठीक है। और ये कैसे होता है, देखो क्या है यहाँ पर है क्या, ये आप मुझे बताओ ये CO2 सब यहाँ पर आ जाओ तो ऐसा नहीं लगा वो सी तो है जिससे यहाँ भी है सी यहाँ भी है ऑक्सीजन यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ पर क्या ऐड हुआ है वाटर ऐड हुआ है, तो ये हाइड्रोजन ऐड हुआ बेटा, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, सोचो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए पक्का ये टूटा होगा, ये पक्का टूटा होगा आपका, यहाँ पर H2 और O2 बना होगा। तो यही पूछा गया है कि जिस तरह यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से आया सेम वही कहानी है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है माय डियर ये कहाँ से बनता है, तो आंसर क्या दोगे सर वो यहाँ से जो टूटना चाहिए जो टूटेगा तब बनता है वही आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो आप बोलोगे यस आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यस कौन सा वाटर इज द राइट आंसर, परफेक्ट है। और एक और बात ध्यान रखनी क्या कि यहाँ पर ना है क्या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है, तो एक छोटी सी ट्रिक है बोलो क्या है 6 12 छोड़ दो 6 6 तो इस हिसाब से बैलेंस भी कर सकते बिकॉज एग्जाम टाइम में बैलेंस करने बैठोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आंसर बोलो क्या 6 12 छोड़ दो 6 6। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ है, कितना सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन देखो, जब ब्लड आर्टरी लेके आ रहा है तो कैसा आ रहा है, कैसा आपका सर ये आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से बोला जाए जब इसके पास आ रहा है माइडियर क्या से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जब दूर जाएगा मतलब जब काम खत्म हो चुका है रेस्पिरेशन हो चुका है तो कैसा आपका कैसा, तो देखो ये इसको क्या बोलेंगे आपका डीऑक्सी है, और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कैसा होगा माय डियर सोचा जाए, हाँ रिच इन ऑक्सीजन या रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आंसर दोगे रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। क्या बात है क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पढ़ते हैं आज। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम में बात में दम है, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन दिस बात में दम है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल, कह रहा मूवमेंट टेक प्लेस नहीं करता बच्चे, गलत है बच्चे बिकॉज इंटर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं, अगर नहीं होगा तो सेल तक खाना कैसे पहुंच पाएगा, सेल तक वाटर कैसे पहुंच पाएगा। और डी बच्चे क्या देखो, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, आपका ये सही है। तो ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है और डी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखो क्या है, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स के लिए इंटरनल एनर्जी क्या है, बहुत सिंपल है सर, वो अपना स्टार्च की फॉर्म पे फूड को स्टोर करके रखते हैं, चलेगा यस, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और साथ में इसको टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द समरी ऑफ, देखो काम आया ना काम आया, 6 12 छोड़ दो 6 6 और कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन करेंगे वाटर से, और क्या बनेगा CO2 प्लस आपका यस H2 बनेगा प्लस इनका O2 रिलीज होगा, चेक करते हैं। आ जाओ क्या देखो, इसको तो हटा दीजिए बिकॉज यहाँ सनलाइट भी नहीं है क्लोरोफिल भी नहीं है, इसको हटा दीजिए बिकॉज यहाँ सनलाइट तो है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। बच्चे दो ऑप्शन है देखो, अब मुझे बताओ जब आपका फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सा गैस बनता है, ऑक्सीजन के CO2, तो आंसर होना चाहिए सर आपका ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या रिलीज हो रहा है CO2, तो ये गलत हो जाएगा। और कौन जीत जाएगा, जीत जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 CO2 प्लस H2 प्लस क्लोरोफिल
फील एरा करते 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 दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन माय डियर 27 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बोलो यस सर ओके यस सर आपका. बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ है. चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस जो कि फोटोसिंथेसिस में नहीं होता. आ जाओ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल होगा और रिडक्शन चलिए देखो ध्यान देना. यहाँ देखो ये CO2 यहाँ पर कितने कार्बन है यहाँ 6 कार्बन है कितने ऑक्सीजन है 12 यहाँ पर आ जाओ देखो क्या है यहाँ कार्बन कितने हैं 6 यहाँ पर H कितने बेटा 12 और O कितने पर 6 है. ऐसा नहीं लग रहा मानो यहाँ से यहाँ पर आने पर ऑक्सीजन चला गए और हाइड्रोजन जुड़ गए. ऑक्सीजन का चला जाना हाइड्रोजन का आना इसी को तो क्या बोलते हैं रिडक्शन ना. तो इसका मतलब सर जो CO2 है उसका रिडक्शन हुआ क्या बन गया कार्बोहाइड्रेट से. ये कार्बोहाइड्रेट ही तो है ये कार्बोहाइड्रेट ही है. आंसर क्या हो जाएगा माय डियर आज आंसर हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है आ जाओ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन ना जी ना कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है. यस ऑप्शन सी ही मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए बिकॉज ऑप्शन सी गलत हो जाएगा. और यस कन्वर्जन तो हो रहा है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है. जे 28 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखा चाहिए है क्या ये क्या है यहाँ बेटा ये दिख रहा है आपको क्या ये जो पोर्स है इसी पोर्स को क्या बोला जाता है इसी पोर्स को स्टोमेटा का नाम दिया जाता है. अब जो स्टोमेटा वो साइट है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है. ठीक है मतलब कि यहीं से ऑक्सीजन और CO2 अंदर बाहर और वन करता है. ठीक है चलो अब कैसे होता है जब यहाँ पर जो यहाँ पर वाटर की एंट्री होती है जब वाटर की एंट्री होती है तो यहाँ पर जो है ना जो साइड में जो सेल्स हैं जो बीन शेप जो सेल्स हैं इन्हें बोलते हैं क्या गार्ड सेल्स हैं. तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाते हैं बेटा ये गार्ड सेल्स आपके जब वाटर की एंट्री होती है तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये गार्ड सेल्स ना फूल जाते हैं टर्जिड हो जाते हैं. ठीक है आपका टर्जिड हो जाते हैं और जब ये टर्जिड हो जाते हैं तो ऐसे में वो ओपन हो जाते हैं. ठीक है थोड़ा क्या ये ओपन स्टोमेट है और यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर क्या हुआ यहाँ से वाटर चला गया. जब वाटर चला जाता है तो गार्ड सेल पिचक जाते हैं तो इसे बोलते हैं फ्लैसिड हो गया. कैसा आपका फ्लैसिड है तो यहाँ पर ये बंद हो जाता है. मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे बताओ जो स्टोमेटा का ओपनिंग और जो क्लोजिंग है ये किससे कंट्रोल होता है वाटर इन गार्ड सेल्स है. अगर एंट्री होगी तो ओपन और चला जाएगा तो क्लोज हो जाएगा और ये ध्यान रखना ये टर्जिड हो जाएगा यहाँ से फ्लैसिड. तो आंसर क्या हो जाएगा यस वाटर इन गार्ड्स इज द राइट आंसर. चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन है जो से ज्ञानी कीटा के फैमिली से जुड़े हुए हैं. तो ये क्वेश्चन से हमने याद है हमने असाइनमेंट में भी किया हुआ था प्रोटीन्स में जो हटा दिया जाए नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म पे चलेगा जो कि फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं. और जब आपका यूरिया हो गया परफेक्ट आपका तो सेकंड और थर्ड इज राइट आंसर. आ जाओ सेकंड एंड थर्ड इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है. मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ देखो 30 क्वेश्चन हुए हैं लेकिन कितना कुछ सीखने को मिला है. एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 तो मिस करना है बिकॉज बायोलॉजी है ना बायोलॉजी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो इनका मिस करना ही नहीं. देखो ऑब्वियसली होता है टॉपर हो यार तुम कंप्यूटर सारी करना है लेकिन इसे मिस करना ही नहीं है. तो इस तरीके से हो गया. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 की तरफ. ये रहा 31st क्वेश्चन आपके सामने. विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जब खाना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है तो ऐसे में कहां पर सबसे पहले आपका कौन सा वो एंजाइम है कहां पर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है जिसे कोई याद है माउथ पे तक क्या था माउथ के पास क्या था माय डियर यस माउथ में आपका टंग था और इसी टंग के पास क्या थे माय डियर टंग के पास कौन से ग्लैंड्स हैं यस परफेक्ट यार सलिवरी ग्लैंड्स है और सलिवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करता है सलाइवा परफेक्ट है और ये सलाइवा इज द फर्स्ट एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को जो कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा ये करेगा सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा. बोलो हाँ ना यस सर परफेक्ट है सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा. तो ये था फंक्शन किसका सलाइवा का. तो अगर पूछे कि कौन सा फर्स्ट एंजाइम है क्या आंसर दोगे पेप्सिन चलेगा यस आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट आ जाओ क्या आपसे कह रहे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आपका जो है करेक्ट है कौन सा करेक्ट है जो पाइरूवेट कैन बी आपको याद है चाहे आपका एरोबिक मोड हो चाहे आपका एनरोबिक मोड हो सबसे पहले क्या होता है जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है और जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है बच्चे इसी को क्या बोलते हैं आपका पाइरूवेट क्या बोलते हैं आपका पाइरूवेट चलेगा. और जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल था परफेक्ट है जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पाइरूवेट बनना इसी प्रोसेस को माय डियर क्या बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस परफेक्ट है. और ये जो ग्लाइकोलिसिस कहाँ टेक्स प्लेस करता है तो ये साइटोप्लाज्म में टेक्स प्लेस करता है ना बच्चे आपका. उसके बाद क्या होता है उसके 3 केस आते हैं पहला क्या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दूसरा क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तीसरा क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन है. जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है उसमें क्या बनता है लैक्टिक एसिड बनता है
और बच्चा लोग जो आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है जो कि ईस्ट के अंदर टेक्स प्लेस करता है वो बनता है एथेनॉल प्लस फिर CO2 वही आपसे बोल रहे थे पाइरेवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट है बात पे दम तो है बात में बच्चा लोग दम तो है तो आप क्या बोलोगे सर ये तो ठीक है नीचे आ जाओ फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन ना जी ना ये जो आपका ये जो ईस्ट ब्रेक करते हैं ना ईस्ट आपका जो CO2 के ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ब्रेक किया ग्लूकोज किसमें आपका एथेनॉल और CO2 में इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन चलेगा लेकिन वो तो एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं ये आपसे कह रहा है माय डियर सर एरोबिक गलत है आपका गलत हो जाएगा आ जाओ क्या और फर्मेंटेशन ना जीना फर्मेंटेशन जो कि एनारोबिक मोड है वो आपका सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में टेक्स प्लेस करेगा तो ये भी गलत है ये भी माय डियर इसे गलत है और चौथा क्या है फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ये करेक्ट है तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द परफेक्ट आंसर जो कि करेक्ट है अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आ जाओ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स ये एक ऐसी तस्वीर है जो बहुत ही कॉमन है अगर आप इसे कोई क्रिकेट मैच का शौकीन है क्रिकेट खेलने का शौकीन है तो ऐसा अक्सर आप देखा होगा इसी को बोलते हैं क्रैम्प्स है यहाँ पर क्या होता है जब हमारी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी कर रही होती है तो उस केस में सेल्स को इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिलता है तो इसमें आपका जो एरोबिक मोड होना चाहिए ह्यूमन बींग्स के अंदर वो नहीं होता और कौन सा मोड हो जाता है मसल सेल में एनारोबिक मोड है और वहां पर क्या बन जाता है माय डियर लैक्टिक एसिड है और उसी लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन में से क्या होता है क्रैम्प्स होता है तो आप क्या बोलोगे माय डियर देखो क्या है यस देखो तो पहला स्टेप देखो क्या है ये जो स्टेप्स है ये जो तीन स्टेप्स माय डियर अपना ये फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड है अभी इस केस की बात चल रही है लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है आपका लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी है तो ये किससे बना आपका पाइरावेट से चलेगा तो पाइरावेट से लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी बनने की वजह से क्या हो जाता है क्रैम्प्स तो आप क्या बोलोगे यस यस परफेक्ट है कन्वर्जन ऑफ पाइरावेट टू लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर चलेगा और बच्चे जो ये कन्वर्जन है ये कहां टेक्स प्लेस करेगा ये भी आपका साइटोप्लाज्म में टेक्स प्लेस करेगा आगे बढ़ा जाए यस सर 34th क्वेश्चन आपके सामने है Choose the correct path of urine in our body. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यूरिन फॉर्मेशन को टिप्स में कर लिया होगा बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है और ये रहा ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम है आप मुझे बताओ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन कौन सा होता है तो आप क्या बोलोगे सर ये किडनी सबसे मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी है और इसी किडनी के छोटे छोटे स्ट्रक्चर बोला जाए छोटे छोटे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं नेफ्रॉन्स बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को माय डियर क्या बोलते हैं आपका नेफ्रॉन्स है और इसी नेफ्रॉन्स के अंदर तीन मेजर स्टेप्स होते हैं कौन कौन से एक सर होगा आपका परफेक्ट है यूरिन का फिल्ट्रेशन सेकंड क्या है जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है जिसे और जो कहां पर टेक्स प्लेस करे ग्लोमेरुलस में तभी उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है सेकंड क्या आपका रीअब्सॉर्प्शन है वो सीक्रेशन है तो तीन मेजर स्टेप्स में क्या बनता है यूरिन है तो आपका यहां बोला गया जो किडनी है अब किडनी में क्या होगा इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स है यूरिन बना अब यूरिन जो एक डक्ट से कहां तक पहुंचेगा आपका यस यूरिनरी बैडर तक और उसके यूरेथ्रा से बाहर चला जाएगा परफेक्ट है तो किडनी देन यूरेटर देन ब्लैडर देन यूरेथ्रा ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरे ख्याल से ऑप्शन सी परफेक्ट है एंड दिस इज अ डैम श्योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ और ये रहा क्वेश्चन आ जाओ ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू परफेक्ट अभी आया था ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पाइरेविक एसिड जो आपका लैक्टिक एसिड में बदल जाता है ये कहां पर होता है ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन डी गॉल्जी बॉडी आप क्या बोलोगे जस्ट अभी डिस्कस किया था ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म इज द परफेक्ट आंसर है जो एनारोबिक मोड है चाहे आपका ईस्ट वाला हो चाहे मसल सेल्स वो दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म में ही टेक्स प्लेस करते हैं चलेगा यस सर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ ओके एंड जोरदार तालियां क्यों बिकॉज अब आपके स्टार्ट हो चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लेंथी चैप्टर की कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यहां तक जैसे मतलब क्या देखो ये बिकॉज इस चैप्टर में 80 प्लस क्वेश्चंस है डिवीजन पे करो बिकॉज बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेम द फॉलोइंग बच्चों ने बहुत 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 किया होगा ना किया जाए आ जाओ द प्रोसेस इन विच the process in plants that links light energy with chemical energy ऐसा कौन सा process है जहां plants क्या करता है light energy को chemical energy में convert करता है आपके मुंह पे एक ही answer आएगा बच्चे क्या photosynthesis है ना photosynthesis चलेगा यस सर दौड़ेगा नीचे आ जाओ ऐसे कौन से organism है that can prepare their own food जो अपना खाना खुद बनाते हैं organism
मोड नहीं पूछा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर ऑटो ड्रॉप्स ना, जब का ऑटो ड्रॉप्स है, और अगर मोड्स पूछता तो क्या बोलते? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलेगा। द सेल ऑर्गेनली, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, सेल का ऑर्गेनली चलेगा, तो क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है, पढ़ा हुआ अपने परफेक्ट का ग्रीन रंग का पिगमेंट होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? ग्रीन रंग का पिगमेंट है। नाम क्या बोलोगे माय डियर? यस, क्लोरोफिल इज द परफेक्ट आंसर है। नीचे आ जाओ। ऐसा कौन सा सेल है जो कि स्टोमेटा के पोर को सराउंड करता है? तो स्टोमेटा वो साइट है जहां से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। उसी के ओपनिंग और क्लोजिंग को भी कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स है। तो उसी का आंसर चलो आपका गार्ड सेल्स, परफेक्ट है माय डियर। यस राजा, जो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिस तरह ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी और के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा? क्या आंसर दोगे? यस क्या होता है, बहुत होशियार आप, हीटरोट्रॉफ्स है। और आ जाओ, एक ऐसा एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक दैट एक्ट ऑन प्रोटीन्स। यस परफेक्ट यार, पेप्सिन इज द राइट आंसर है। नेम द वर्ड्स, हो गया कंप्लीट। कितना सिंपल था, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना, तो ये सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी। आ जाओ। यस, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुनना। आपसे कह रहा है ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे। प्लांट्स कह रहे हैं कि दिन के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो? अब ध्यान सुनो, अक्सर बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि प्लांट सिर्फ और सिर्फ आपका ऑक्सीजन जो है बनाता है और CO2 लेता है। CO2 लेगा है ना, हम करते ना कि इंसान जो है वो आपका ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और इसी CO2 कौन ले लेगा? प्लांट से लेगा, और प्लांट CO2। ये ऐसा बच्चा सोचते हैं, ये सोचे ऐसा करते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं करते, प्लांट्स ऐसा करते हैं कब, लेकिन ये तब होता है जब प्लांट्स को खाना बढ़ाना होता है, मतलब जब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो उस केस में वो क्या लेंगे? CO2, और क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन है। आप एक बार लॉजिकली सोचो, ध्यान से सोचो, क्या प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है माय डियर? यस, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो क्या प्लांट को एनर्जी की नीड्स होगी? होगी। तो अगर प्लांट्स को एनर्जी की नीड्स है, आप मुझे बताओ लाइफ प्रोसेस के अंदर ऐसा कौन सा वो प्रोसेस है जहां पर फूड से एनर्जी रिलीज होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए रेस्पिरेशन है। इसका मतलब प्लांट्स रेस्पायर भी करते हैं, और बच्चा लोग जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं हमारी तरह ही होते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या छोड़ते हैं? CO2। बहुत की पॉइंट नोट आउट करना कि जब आपका प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है माय डियर, परफेक्ट है, तो वहां CO2 लेगा, O2 छोड़ेगा, तो दोनों इकट्ठे होते हैं। लेकिन दिन के टाइम पे क्या ज्यादा होगा? दिन के टाइम पे सूरज ऊपर है तो आपका फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा। लेकिन रात के समय जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा और फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, चलेगा। तो आप मुझे बताओ, तो क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री हो? तो आप बोलोगे सर एग्री होना, देखो वैसे ये नहीं कि प्लांट से, देखो इस फिगर को ध्यान से देखा जाए माय डियर। चलो क्या देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पर दो डिवीजन है, एक डे का और बचेगा आपका नाइट का, चलेगा। देखो दिन के टाइम पे आपका फोटोसिंथेसिस है और साथ में रेस्पिरेशन भी हो, कैसे? देखो प्लांट क्या ले रहा है, प्लांट क्या आपका, प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है, बोलो क्या है, और CO2 छोड़ रहा है। प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, परफेक्ट है। लेकिन ये कम, इसका जो रेट है माय डियर वो बहुत ही कम है, इसका जो रेट है कम है। लेकिन देखो कि आप देखो, प्लांट जो आपका यस दिन के टाइम पे CO2 ले रहा है और ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ रहा है, मतलब यहाँ पर आप बोलोगे सर दिन के टाइम पे आपका रेस्पिरेशन भी हो रहा है, बोलो क्या है, दिन के टाइम पे रेस्पिरेशन भी हो रहा है और बच्चे आपका फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। लेकिन कौन सा ज्यादा माय डियर? तो सर आप बोलोगे सर वो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ज्यादा है दिन के टाइम पे, परफेक्ट है सर। तभी जो है आपका फोटोसिंथेसिस को बड़े एरो से दिखाया गया और जो रेस्पिरेशन को छोटे एरो से, चलेगा। अब आ जाओ रात के समय, जब रात हुआ कौन आया? चांद आया बादल में, ऐसी कुछ ना, सेलुलर रेस्पिरेशन वहां पर प्लांट क्या करेगा, बिकॉज सन तो है नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो प्लांट क्या ले रहा है? यस देखो ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है। तो क्या सीखा यहाँ से? यस, तो दिन के टाइम क्या है, ड्यूरिंग डे टाइम एज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, तो हमें ऐसा लगता है कि आपका ऑक्सीजन ही बन रहा है, क्यों? बिकॉज देखो क्या है, प्लांट है, रेस्पिरेशन किया, तो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या लिया बेटा, ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा। तो ये जो CO2 छोड़ते ना, इस CO2 को फोटोसिंथेसिस के लिए खर्च कर लिया जाता है,
तो ऐसा लगता है कि मान लो सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज हो रही है ना. यस द नेट रिजल्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ क्या ऑक्सीजन एट नाइट जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं है. सो दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू रेस्पिरेशन है. लेकिन ये कहना जायज नहीं होगा कि प्लांट दिन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपका CO2 लेता और O2 छोड़ता. ये गलत है. प्लांट रेस्पायर भी करते हैं लेकिन उसका रेट जो है कम होता है एज कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस है. आगे बढ़ा जाए तो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है. चलो क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है. ये अभी आया था कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है. जो आंसर था गार्ड सेल्स है. अब गार्ड सेल्स कैसे करता है, ध्यान से फिगर को देखा जाए. फिगर को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पर है क्या चीज आपको दिखा चीज, ये जो ना ये जो ये है इसी को बोलते हैं गार्ड सेल. इसी को बोला जाता है आपका, चबन से मैं कलर को चेंज करता हूँ, इसी को क्या बोलते हैं आपका गार्ड सेल. परफेक्ट है, देखो अच्छा दिख रहा है आपको, सभी को दिखा आपका. इसी को क्या बोलते हैं आपका गार्ड सेल्स है. अब होता क्या है, तो गार्ड सेल्स कैसे आपके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, अब समझते हैं. देखो है क्या कि जब आपके स्टोमेटा के पोर को देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब अंदर से ऑक्सीजन आ रहा है, अंदर से ऑक्सीजन कोई गैस बाहर आ रहा है, इसका मतलब स्टोमेटा ओपन है. इसका मतलब माइडीज स्टोमेटा ओपन है. ये कैसे ओपन हुआ, तो होता क्या है जब जब स्टोमेटा को ओपन होना होता है तो गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की एंट्री हो जाती है. गार्ड सेल्स के अंदर माय डियर वाटर की एंट्री होगी. जब वाटर की एंट्री हो जाएगी तो गार्ड सेल्स कैसा हो जाएगा, गार्ड सेल्स बच्चे आपका हो जाएगा टर्जिड, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा. जब प्रेशर बढ़ेगा तो उस समय कुछ ऐसा देखो जी, कुछ पहले ऐसे थे ऐसे थे ना, जैसे पानी गया कुछ ना वो टर्जिड हो गए, कुछ टर्जिड और कुछ ऐसा हो गया, मतलब फूल से गए. तो यहाँ पर क्या स्टोमेटा ओपन हो गया. अब जब क्या होगा, जब बंद होगा तो पानी पिचक जाएगा, ये पानी निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो ये पिचक जाएंगे और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर आपका ऐसे और फिर आपका ऐसा. इसका मतलब क्या है, गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर की एंट्री हो जाती है तो गार्ड सेल्स कैसा हो जाएगा, टर्जिड है. और जब गार्ड सेल्स में से जब गार्ड सेल्स में वाटर जो है बाहर की तरफ फ्लो हो जाता है, बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा, पानी निकल गया तो ये बोलो कि आपका पिचक जाएगा, इसे बोलते हैं फ्लैसिड, बोलो कि आपका फ्लैसिड हो जाएगा. तो इस तरीके से वाटर, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर के इन और आउट की वजह से गार्ड सेल्स जो ओपन और क्लोज होते हैं, ऐसा नहीं, सॉरी स्टोमेटा ओपन क्लोज होते हैं. और भी फैक्टर्स हैं जो कि क्लास 11th में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गार्ड सेल्स के ओपनिंग, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं. अब इसी बात को रीड किया, देखो क्या, देखो ओपनिंग ऑफ, प्लीज नोट इट डाउन कॉपी, ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स इज फैसिलिटेटेड बाय द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड गार्ड सेल. चलेगा, जब एंट्री हुई तो इससे क्या हुआ, जो आपका गार्ड सेल था माय डियर वो कैसा हो गया, टर्जिड हो गया. चलेगा, अब यहां पर आ जाओ, ये क्लोज क्यों हुआ, बिकॉज वाटर चल गया बाहर. क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल इज फैसिलिटेटेड बाय द वाटर कमिंग आउट ऑफ गार्ड सेल. दिस विल मेक द गार्ड सेल फ्लैसिड है. आप ऐसे बोलोगे, देखो ऐसो हमने क्या सीखा, एंट्री ऑफ वाटर इन साइड गार्ड सेल मेक द सेल टर्जिड है, जिसकी वजह से आपका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा. सेम वही कहानी है, सिमिलरली सेल बिकम फ्लैसिड व्हेन वाटर कम आउट ऑफ गार्ड सेल्स, और इससे क्या स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाएगा. तो अंदर बाहर कुछ इस तरीके से हो रहे हैं. तो आई होप आपने सीखा होगा. पढ़ते हैं यहाँ से, एग्जिट में एक मार्क से पूछा जाता है तो कौन कंट्रोल कर रहे, तो गार्ड सेल्स है. क्यों कर रहे हैं हम डिस्कस किया. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने. एक बार आप आराम से इसको रीड करो. टू ग्रीन प्लांट्स है, दो ग्रीन प्लांट्स है कुछ आपका, एक एरा और एक एरा, आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स, वन इन द डार्क एंड द अदर इन कंटिन्यूअस लाइट है. ऑक्सीजन फ्री मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, फिर से बोला जाए, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है. एक को डार्क में रखा गया और एक को कंटिन्यूअस लाइट पे. विच वन विल लिव लॉन्गर और गिव रीजंस है. डैम श्योर है, जिस केस में रेस्पिरेशन कर पाएंगे, जिस केस में रेस्पिरेशन कर पाएंगे उस, बिकॉज ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स है तो ऑक्सीजन तो है नहीं बेटा, ऑक्सीजन तो ऊपर है नहीं, मतलब आपने ऑक्सीजन की एंट्री को बंद कर दिया, लॉकडाउन हो गया. अब मुझे बताओ कौन सा प्लांट जो लॉन्गर जिएगा. देखो सिंपल, आई मैंने कहा कि जिसमें रेस्पिरेशन करेगा. अब कुछ ऐसा लॉजिक है, देखो एक को रखा गया चपका, एक को रखा गया आपका डार्क रूम पे कुछ ऐसा, और एक को रखा गया चपका कंटिन्यूअस लाइट पे. मुझे बताओ कंटिन्यूअस लाइट में ऑक्सीजन तो नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा, तो ऐसे में क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेगा. यस सर, आप बोलोगे सर सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या कर लेगा, प्लांट कर लेगा फोटोसिंथेसिस. पर बोल जाए फोटोसिंथेसिस है. और मुझे पता कि जब फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट से क्या लेगा, प्लांट क्या लेगा माय डियर आपका CO2, और क्या छोड़ेगा ऑक्सीजन है. और ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन को जो पॉट ए वाला जो प्लांट है वो खर्च कर लेगा किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए. और एनर्जी बन जाएगा, वो रेस्पायर कर पाएगा, मतलब जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बना उसको यूटिलाइज कर लिया. लेकिन पॉट भी बेचारा किस्मत से हारा है ना, ये बेचारा किस्मत मारा
ऑक्सीजन भी नहीं है, छा चुके हैं। तो इस केस में क्या बेटा, इस केस में आपका बोलोगे सर नो फोटोसिंथेसिस है, और अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा तो क्या ऑक्सीजन बनेगा? नहीं। तो क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं। और ऊपर से क्या हो जाएगी, आपका इंतजार था, आ जाओ। आप क्या बोलोगे? यस यस डियर, एक बार इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। बच्चा लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप बोलोगे यस 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 आपका, कि ऐसा प्लांट प्लांट कैप्ट इन कंटिन्यूअस लाइट विल लिव लॉन्गर बिकॉज इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर इट्स रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। जो बात हमने बोली है वही आपका एग्जैक्टली है, बस किस तरह लिखना आपको दिखाया है। आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40th की तरफ। देखो क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है इफ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम पे क्या ले रहा है? देखो छे, डे के टाइम पे ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या, डज इट मीन दैट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग है? अभी सीखा था कि सर जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना तो उस केस में कौन सा गैस लेता है? सर CO2 क्या छोड़ता है आपका? O2। ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं कर रहा, प्लांट क्या कर रहा है, दिन के टाइम पे आपका ऑक्सीजन ले रहा CO2 छोड़ रहा है। तो क्या आप क्या बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा? तो आप देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस हो गई होगा, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं स्टोमेटा जो है बहुत सारी होनी चाहिए, स्टोमेटा ब्लॉक तो नहीं हो गए, वाटर का सप्लाई है कि नहीं है, और ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ऐसे में आप देखो दो यहाँ से केस बनते हैं। पहली बात तो क्या है, या फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा, या दूसरा क्या, हो तो रहा लेकिन उसका रेट बहुत ही कम है। मतलब देखो वैसे दिन के टाइम पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है किससे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन से, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी और रीजन, किसी और फैक्टर की वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाए। तो दो प्रोबेबिलिटी है, या नहीं हो रहा या उसका रेट बहुत ही कम है। और ये रहा प्यारा सा आंसर, देखो रिलीज ऑफ CO2 एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन गिव्स एविडेंस दैट आइदर फोटोसिंथेसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, या नहीं हो रहा, और इट्स रेट इज टू लो, परफेक्ट है। ड्यू नॉर्मली जब दिन का चक्का नॉर्मली क्या होता है आपका, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका ज्यादा होता है किससे, रेस्पिरेशन से। सो CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस, और हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि बस प्लांट क्या छोड़ रहा है आपका, प्लांट आपका ऑक्सीजन छोड़ रहा है। परफेक्ट है माय डियर, परफेक्ट है। यस ओके यस एग्जैक्टली, आ जाओ आ जाओ। व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर, बचपन में गाना तो सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। यार मरना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आप मुझे बताओ कि जो है फिशेस, फिशेस के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स है। फिशेस के गिल्स में डिजाइन वो इस तरह डिजाइन है कि वाटर से डिसॉल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जब उसको आप पानी से बाहर लाओगे तो अब बाहर कैसा, बाहर ऑक्सीजन तो है, ये नहीं कह रहे कि बाहर ऑक्सीजन नहीं है, बाहर ऑक्सीजन है, लेकिन वो कैसा ऑक्सीजन है सर, वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। और फिशेस के पास ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो आप क्या बोलोगे, यस एग्जैक्टली। देखो ना चपका, देखो आप फिशेस होता क्या है, ये अपने गिल से, फिशेस जब गिल से क्या करेगा, गिल से रेस्पायर करता है, लेकिन अगर जब बाहर लेके आओगे तो आपके एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। देखो फिशेस रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज है, ताकि आपका एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सके एंड कैन रीडली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। लेकिन सिंस फिशेस कैन नॉट एब्जॉर्ब गैसियस एक्सचेंज, दे डाई सून आफ्टर दे आर टेकन आउट ऑफ वाटर, मतलब सिंपल लॉजिक है, गिल्स ऐसे डिजाइन नहीं है कि वो आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला, देखो आपसे बोला गया है डिफरेंशिएट करो किसके बीच आपका ऑटोट्रॉफ और आपका हेटरोट्रॉफ के बीच में। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉफ जो बना नहीं सकते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स के पास क्या क्लोरोफिल होगा, यस सर, हेटरोट्रॉफ्स नहीं होगा। आ जाओ क्या ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड है, और यहाँ पर क्या दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, बोले तो क्या ये ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, चलेगा, यस सर दौड़ेगा। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, दे हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब सनलाइट, तो दे हैव क्लोरोफिल, पर यहाँ पर दे लैक क्लोरोफिल। वेरी सिंपल एग्जाम्पल भी देखते हो, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ आपके ब्लू अलगी होते हैं, और यहाँ पर ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, ये सब फलाना फलाना करना चाहो। यस, इज न्यूट्रिशन अ नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म, बचपन बोलते हैं माँ व्यक्ति ना बेटा खाना खा ले क्यों बोलते हैं। यस एग्जैक्टली, न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही प्यारा सा आंसर पढ़ा जाए, बचपन ऐसे आंसर बहुत आपने याद किए होंगे। यस माई डियर, वन सिंह आपका
हाँ, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। पहले देखो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उन सब में जितनी भी एनर्जी खर्च होती है फूड से ही मिलेगी। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। उसके बाद क्या, हमारी बॉडी के अंदर नई सेल्स बन रहे हैं जो पुराने सेल्स को रिपेयर किया था, तो इन सब में भी एनर्जी खर्च होती है। तो अगर न्यूट्रिएंट ही नहीं लोगे तो क्या ये हो पाएगा, नहीं होगा। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट सेल्स जो खराब हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इट इज नीडेड टू डेवलप रेसिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस डिजीज। ऑब्वियसली बात है, अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बाहर के क्या इन्फेक्शन से लड़ पाएगी, नहीं लड़ पाएगी। चलो क्या है, चलो क्या है। ओके माय डियर, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन है, ब्लड का जो ब्लड के अंदर जो कॉम्पोनेंट होते हैं, ब्लड के अंदर से कौन सा कॉम्पोनेंट है माई डियर जो कि इन्फेक्शन से फाइट करता है, डिशुम करेगा विफास। क्या है ब्लड के अंदर ऐसा, कौन सा वो सेल है जो कि इन्फेक्शन से लड़ेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, क्या होगा अगर सारे प्लांट्स जो है डिसअपियर हो जाए इस प्यारी सी धरती से। यार प्लांट्स ही देखो, ऐसे फूड चेन को देखा जाए जो हम चैप्टर 15 पे ग्रेट डिटेल पढ़ने वाले हैं। यस, तो चैप्टर है क्या, आपके पास ये फूड चेन है जहां पर सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ग्रास ने। क्यों, बिकॉज ग्रास कैसे होते हैं बेटा, ग्रास आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। बाकी ये ग्रास हॉपर हो गया, ये फ्रॉग हो गया, स्नेक और ईगल है, क्या ये फूड को सिंथेसाइज कर पाएंगे, नहीं है। तो अब बताओ, कहीं ना कहीं ये जो ईगल वो प्लांट पर डिपेंड है, ये भी प्लांट पर ये तो डायरेक्टली डिपेंड है। तो अगर मैं इसी को खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं करना यार, इसी को खत्म कर दिया तो क्या बाकी सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोलोगे, ग्रीन प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ, all the herbivores will die due to starvations and so will the carnivores hai, pehle herbivores marenge jo grass eating animals hai, uske baad dam shore hai jo grass eating hi mar jayenge, to kya aapke meat eating ya flesh eating rahenge, nahi to sab mar jayenge, pura ecosystem tabah ho jayega। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45 है, बहुत बार पूछा गया है आपसे, क्या पूछा, देखो आप मुझे बताओ कि जो लीव्स है, लीव्स में वो कौन सा साइट है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, चाहे वो रेस्पिरेशन की बात हो, चाहे वो आपका ट्रांसपिरेशन की बात हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस की बात हो, तीनों केस में गैसियस एक्सचेंज होना जरूरी है, परफेक्ट है। तो वो आप कह रहे हैं लीव्स ऑफ अ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद वैसलीन है, उसको वैसलीन से कोट कर दिया गया। जब वैसलीन से कोट करोगे तो उसके स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपसे पूछा है, विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग, ना जी ना, प्लांट हेल्दी रहेगा ही नहीं। तो गिव रीजंस फॉर योर आंसर है। तो सबसे पहले आप यही लिखोगे कि सर देखो क्या है, दिस प्लांट विल नॉट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग बिकॉज वैसलीन कोटिंग क्लोजेस द स्टोमेटल पोर्स ऑन द लीव्स ड्यू टू विच क्या क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। पहला, यस, आपका रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्लांट विल नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सेकेंड क्या है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट को क्या नहीं मिलेगा, CO2, प्लांट विल नॉट गेट CO2 एंड फॉर फोटोसिंथेसिस है। और ट्रांसपिरेशन में, जहां पर पहले ट्रांसपिरेशन होता है और वाटर्स और मिनरल्स का कंडक्शन टेक प्लेस करता है, वो भी नहीं होगा। प्लांट विल नॉट गेट वाटर एंड मिनरल्स ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ क्या, ट्रांसपिरेशन है। इसलिए वो प्रोसेस है जहां पर आप प्लांट जब अपनी सरफेस से क्या लॉस करता है, वाटर वेपर है, जब वाटर पर लॉस करता है, इसी बहाने से आपका वाटर का और मिनरल्स का कंडक्शन हो जाता है। तो ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे तो अल्टीमेटली प्लांट्स मर ही जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और आपका एनरोबिक। बहुत ही सिंपल है, आपने देखा था तीन मोड्स थे, ध्यान से प्लीज फ्लो चार्ट को देखा जाए। ये तो कॉमन है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये तो कॉमन है, ये सबसे पहले 3 कार्बन के मॉलिक्यूल टूटता है। ये आपका, चाहे आपका एब्सेंस हो, एनरोबिक मोड हो, चाहे ये एनरोबिक मोड हो यूमिंग्स के अंदर, चाहे आपका ये हो, ये तीनों पे पहला स्टेप कॉमन है। क्या बोलते हैं बेटा, जिन्हें हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या है, ये वाला तो होता है ईस्ट के अंदर, और ये वाला क्या आपका, ये वाला जो एनरोबिक मोड है ये ह्यूमन बींग्स के मसल्स सेल्स में टेक प्लेस करता है ना। और क्या बनता है आपका, यस, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी है, और यहाँ क्या बनेगा, एथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में एनर्जी है, और प्रेजेंस के बच्चे क्या, CO2 प्लस में प्लस में एनर्जी चलेगा। आप बताओ, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और ये वाला माइंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो एरोबिक चक्का CO2 वाटर और एनर्जी, देखो द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और एनर्जी बनेगा, ऑब्वियस बात है। इसीलिए तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन सकता है, एथेनॉल बन सकता है ना, एनरोबिक। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन आर CO2 हो गया, एथेनॉल हो गया, आपका लैक्टिक एसिड है। और ये कौन परफॉर्म करते हैं, तो कॉमन है क्या आपका,
कॉमन इन ऑल हायर प्लांट्स एनिमल्स है जहां पर एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और यहां पर क्या सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड ह्यूमन मसल सेल्स है। मेरे ख्याल से परफेक्ट तरीके से आ चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। मैचिंग बचपन की याद दिलाई, बहुत खेला सबका। अब करते चलो, ये आपसे क्या है, प्लेटलेट फिल्म है। फिल्म क्या होता है, ये आपका एक तरह कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस बनाता है, फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, वो केमिकल जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्रिपेयर करे, तो ये फिल्म ही ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो आप क्या बोलोगे, और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन है। नेफ्रॉन्स देखा था अभी किस तरह किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, यहाँ पर क्या परफॉर्म होगा, यस एक्सक्रीशन है। वीन्स क्या है, वीन्स एक ऐसे ब्लड सेल्स है जो कि आपके हार्ट के पास ब्लड को लेके जाते हैं, और जब हार्ट के पास लेके जाएंगे तो माय डियर बोलो क्या, हार्ट के पास जा रहे हैं, हार्ट के पास, यस। तो अब वो वीन्स या तो, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जब प्लेटलेट्स बोलो क्या है, ये सब प्लेटलेट्स क्या क्लॉटिंग काम आता है, कहाँ के जबकि ब्लड को क्लॉट करने के काम आता है, और इसी प्लेटलेट्स को माय डियर थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। परफेक्ट है, बोलो हाय ना, यस सर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने। डिफरेंशिएट करना किससे आपका, आर्टरीज और वीन के बीच में है। ओके, तो आर्टरीज वीन दोनों एक आपके ब्लड सेल्स हैं, तो किया जाए एक तरफ लिखा जाए आर्टरी, एक तरफ आपका आर्टरी और एक तरफ बोलो क्या वीन, लिखा चलो क्या अब जंग, यहाँ ये सबका अब जंग करते हैं दोनों बीच में, डिफरेंशिएट करते हैं। परफेक्ट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहला आप ध्यान से फिगर को देखो, फिगर को देख के मुझे आप ये बताओ कि आपका आर्टरी और वीन किसका वॉल थिक है। तो डैम श्योर है कि सर आर्टरी की वॉल थिक है और वीन की थिन है। क्यों क्यों क्यों, बिकॉज आर्टरीज जब भी ब्लड लेके जाता है तो हार्ट से दूर, और जब हार्ट से दूर लेके जाता है तो ज्यादा प्रेशर पे होता है। तो आप बोलोगे आर्टरीज आपका जबका थिक वॉल है, जब कही कैसे आपके ये थिक वॉल है, और यहाँ पर कैसी का वाइस वर्सा, सर यहाँ पर ये ब्लड हमेशा हार्ट की तरफ लेके जाता है तो कम प्रेशर पे होता है, बोलोगे थिन वॉल है, चलेगा थिन वॉल है। सेकंड बोलो क्या, सेकंड आपका सेकंड अगर पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दो तो ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा अवे फ्रॉम द हार्ट, तो बोलोगे कैरीज, बोलोगे आपका कैरीज ऑक्सीजनेटेड, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। फिर से बोला जाए बेटा अवे फ्रॉम द हार्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, ठीक है चलो क्या। और यहाँ क्या बोलोगे, कैरीज डीऑक्सी, कैरीज माय डियर कैरीज, ये वन टू ही तो होगा आपका, ये वन टू ही तो होगा, चलो 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 क्या है वन सिंह ना बचे, हाँ जब वन और टू है तो कैरीज, अच्छा रंग बरंग करते हैं, कैरीज डी ऑक्सी, कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द ब्लड 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 टू द हार्ट, टू द हार्ट, चलेगा चलेगा, यस बच्चे। और बोलो क्या है, और भी लिख सकते हो यहाँ पर क्या कि सर आर्टरीज जहाँ से ब्लड फ्लो करता है वो कैसा छोटा होता है, नैरो होता है, तो नैरो ल्यूमन है। आई नो कि बॉल थिक होते हैं लेकिन नैरो ल्यूमन है, लेकिन यहाँ पर कैसे चलेगा ब्रॉड ल्यूमन है ना चक्का, यहाँ पर कैसा होगा आपका ब्रॉड ल्यूमन है। परफेक्ट है, परफेक्ट है, यस सर परफेक्ट है। और एक और बात, इसे आर्टरीज में क्या है, आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होते लेकिन वीन्स के केस में आपका वाल्व्स होते हैं। क्यों, बिकॉज वीन्स में क्या आपका एंश्योर करने के लिए कि जो डी ऑक्सी ब्लड है वापस ना आ जाए, तो वाल्व्स एंश्योर द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन है, तो ये वीन्स रिप्रेजेंट होते हैं। तो आप इतना यहाँ पर की वाल्व्स कैसे आपके, यहाँ पर जो वाल्व्स हैं वो आपके प्रेजेंट है, और बच्चा पार्टी आपके यहाँ पर जो है चौथे वाल्व्स कैसे आपके एब्सेंट है। आया आया आया, यस सर आ चुका है। बढ़ते हैं और यहाँ देखो फिगर देखो, आर्टरीज और वीन्स को जोड़ने का काम किसने किया माय डियर, यस आपका कैपिलरीज ने किया, और यहीं पे आपका गैसेस, यहीं पर आपका एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस करता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जो है क्या आपका आपसे क्या रहा है, व्हाट आर द एडेप्टेशंस, व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस है, कि आपका जो लीफ है उसने कौन कौन सी एडेप्टेशन, कौन कौन सी मॉडिफिकेशन कर रखी है। इससे बोलो कि आपने ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बिकॉज हर किसी का सपना है कि सर इस बार फोड़ना है ना, वैसे कि आपने क्या क्या एडेप्ट कर रखा है, आपने ज्ञानी कीटा कर रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें ना जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं, सेम वही कहानी बच्चे। पहला कि आपके पास जो लीव्स है वो मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सके, तो लीव्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन है। उसके अच्छे क्या है, कौन सा वो साइट है जहां से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करेगा, जो स्टोमेटा है, तो प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टोमेटा फॉर गैस एक्सचेंज है। और तीसरा क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट जो कि एब्जॉर्ब करेगा तो वो ज्यादा होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट आर मोर इन नंबर ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स है, और इसी लीव्स के सरफेस को अगर आप जूम करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मेरे आपसे दो तीन छोटे छोटे प्रश्न है, पहला कि आपका ये जो क्यूटिकल है
इसका क्या फंक्शन होता है, ये वैसे आपके सिलेबस पे नहीं है लेकिन ना ये डायग्राम बुक में है, इसीलिए क्यूटिकल क्या करता है। और सेकंड थिंग आपका बोलो क्या, यस आपको जो स्टोमेटा है ये मैं डिस्कस भी किया था कि स्टोमेटा की ओपनिंग और स्टोमेटा की माई डियर ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है, चलेगा यस सर दौड़ेगा। पढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, ध्यान से इस पिक्चर को देखा जाए, यहाँ पर दो एक बच्चे क्या आपके पास, एक आपके पास है ह्यूमन बींग्स ना, और एक बच्चा बोलो कि आपके पास यहाँ पर है रैबिट है, क्या मैं इसे हावी बोर्ड बोलता हूँ, यस इन्हें हावी बोर्ड बोला जा सकता है, चलेगा। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है फिगर को देख के, किसके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है, तो वो ह्यूमन बींग्स की कि आपका हावी बोर्ड, भी पास किसके 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 स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ ज्यादा है, तो आपको दिखेगा सर हावी बोर्ड के स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ ज्यादा होती है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि क्या रीजन है कि जो कार्निवोर है, जो ह्यूमिंग्स है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ वो छोटी होती है, लेकिन हार्बीवोर जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जो कि बेटा क्या है ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है ज्यादा क्यों होती है। कुछ ऑप्शन हो चाहिए, जो हार्बीवोर जिसमें फीड करता है प्लांट या प्लांट के जो प्रोडक्ट्स है उसमें सेलुलोज ज्यादा होता है। अब सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वो क्या है ज्यादा टाइम लगेगा और साथ में ज्यादा एरिया चाहिए होता है ताकि मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस कर सके, इसीलिए आपके हार्बीवोर के स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है। आपसे पूछा गया है व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स, आप क्या बोलोगे सर, बिकॉज हार्बीवोर्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने के लिए लेंथ ज्यादा होती है। आप क्या बोलो, देखो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स के प्रोडक्ट से पाया जाता है takes a longer time, hence herbivores eating grass need a longer small intestine to allow complete digestion of kya cellulose hai, aur carnivores jo hai cellulose nahi kar pate isliye unka small intestine ki length choti hoti hai। aa jao what will happen agar mucus not secreted by the gastric glands hai, agar gastric glands hai, gastric glands kahan hote hai jab ka yes stomach ke inner lining pe wahan gastric glands present hote hai, agar wo mucus nahi banayega to kya hoga, ध्यान से देखो आपका बच्चा होता क्या, देखो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इसका जो सीक्रेशन आता है गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस में बहुत ही खतरनाक चीज है, कौन सा तीन होता कौन कौन सा आपका, एक तो HCl, एक आपका HCl है बेटा, और एक बोलो कि आपका पेप्सिन है, और साथ में एक आपका म्यूकस है। अब बच्चे HCl क्या करता है, HCl बच्चे एसिडिक है तो कोरोसिव नेचर है, तो ये स्टमक की इनर लाइनिंग को डिस्टर्ब ना कर दे, इनर लाइनिंग को ब्रेक ना कर दे, तो ऐसे में म्यूकस बचा के रखता है। तो भाई पूछा कि म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा, देखो म्यूकस पहले उसके फंक्शन को लिखा जाए, क्योंकि फंक्शन ये है और वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा ना। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है फ्रॉम द एक्शन ऑफ क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन है। अगर म्यूकस रिलीज नहीं होगा इट विल लीड टू इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक लीडिंग टू एसिडिटी है ना, परफेक्ट माय डियर, पर आपका जो ये डिस्टर्ब हो जाएगी बोलो हाय ना, परफेक्ट है। चलो क्या है, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है, ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है आपका, इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जहां पर आपका ये जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स है वो छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं ताकि डाइजेशन पे जो आपका इजी हो सके। अभी करता कौन है, लीवर के द्वारा बनाया गया बाइल जूस है, देखो अच्छा देखो द लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस है, बाइल इज अ येलो फ्लूइड कहां पर मेड इन द लीवर, और लीवर में बनने के बाद कहां पर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, चलेगा। और बाइल कैसे, जब से बाइल कैसा आपका, इसके पास बहुत सारे सॉल्ट है ना, तो आपके ये बेसिक सॉल्ट है तो आपका उसका नीचे एल्केलाइन हो जाता, मतलब जो पीएच है माय डियर आपका वो 7 से ज्यादा हुआ, और इसी मीडियम पर आपका ट्रिप्सिनोजन भी एक्टिव होकर ट्रिप्सिन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछे कि बताओ ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो अल्कैलाइन मीडियम है ये प्रोवाइड करने का काम किसने किया, वो बाइल नहीं किया जबका, और सेम वही आपका स्टमक के अंदर जो एसिडिक मीडियम चाहिए होता है वो काम करेगा आपका एचसीएल, ठीक है। अब देखो क्या है, तो इमल्सिफिकेशन होता क्या लिखा जाए, इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फैट इंटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ताकि वो इजी हो सके, एंजाइम्स उसको आए और डाइजेस्ट कर सके, चलेगा। और जब काम कर देगा उसके बाद लाइपेस आएगा और लाइपेस फैट्स को, लाइपेस इसी फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड्स और बच्चा पार्टी आपका ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। जो देखो क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स helps in digestion of fats into fatty acids and glycerol which can be easily absorbed by the small intestine. Main cheez kya aapka kahin na kahin digestion bahut kam aate hain. Ab kya question number 53 aapke samne hai, what causes movement of food inside the alimentary canal hai. चलिए बेटा क्या इधर पे जो एलिमेंट्री कैनल है यहाँ पर क्या होता है, जो फूड है ये फूड को देख, फूड में जो होता है ना बाहर जो मसल्स हैं, मसल कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स
कॉन्ट्रैक्ट लेस है, ये कंटिन्यूअसली टेस्ट वेस्ट करता है, उसी वजह से फूड आपका नीचे की तरफ चला जाएगा स्टमक के पास है। तो इसी मूवमेंट को क्या बोला जाता है बेटा, इसी मूवमेंट को बोलते हैं आपका पेरिस्टाल्टिक, बोलो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, या इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को आप पेरिस्टेल्सिस भी बोल सकते हो, चलेगा? यस सर, दौड़ेगा और इसी वजह से फूड आपका नीचे की तरफ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर, नेक्स्ट आपसे है जो बोलो क्या है, व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन क्या भी था, ऐसा कौन सा साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है, इसका आंसर क्या था, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं और उसी ब्लड वेसल से आपका एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस करता है, और साथ में यहाँ पर जो इनके सरफेस है, जो लाइनिंग है, वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसे क्या बोलते हैं आपका विलाई है, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जो कि ताकि इसे क्या हो, ताकि अब मैक्सिमम चीजें एब्जॉर्ब हो सके। प्लीज इसको पढ़ा जाए माय डियर, इसको पढ़ा जाए, आ जाओ क्या देखो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज यहाँ पर वो साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा, और साथ में इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारे क्या होते हैं, विलाई होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, और जो इंटेस्टाइन की वॉल है बहुत सारे दिख भी रहा हो, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन मदद करेंगे। आया सभी को माय डियर, यस इट्स परफेक्ट, इसीलिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आपका परफेक्ट जो है आपका आपका डाइजेशन और साथ में एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। आया सबको, आ जाओ मैच करने, फिर से वो मैचिंग है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सोचा जाए ऑटोट्रॉफिक कौन करेगा, ग्रीन प्लांट है, हेटरोट्रॉफिक पैरासिटिक, तो पैरासिटिक तो करेगा लीच, और डाइजेशन फूड वैक्यूल्स किस में होगा आपका, यस पैराविशियम में, और आपका हेटरो के अंदर डियर आ जाएगा। कितनी प्यारी मैचिंग थी, कितनी प्यारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, तो क्या कह रहा है आपसे कह रहा है, व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल। जो एक्वेटिक वन सेकेंड यहाँ पर जो है सस्ती शेडिंग हो गई है, हाँ आ जाओ सारे चीज, आपसे क्या कह रहे, देखो आपसे कह रहे बताओ जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा क्यों होता है। क्या बताओ जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, अब जो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन एस एयर बहुत ही कम होती है, तो वहां पर जल्दी जल्दी रेस्पायर करना पड़ता है ताकि सफिशियंट एनर्जी मिल सके। द अमाउंट ऑफ देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज वेरी लो इन वाटर कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, इसीलिए जो ब्रीथिंग एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। परफेक्ट, आ जाओ क्या क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने माय डियर, क्या कह रहे देखो, व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन कॉल्ड द ह्यूमन डबल सर्कुलेशन है। हमने देखा था आपका जब भी ह्यूमन हार्ट से ब्लड फ्लो करता है सबसे पहले क्या हुआ, देखो लंग से कौन सा ब्लड, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता आपका, यस लेफ्ट आर्ट्रियम पे, और उसके बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे, उसके बाद चला जाएगा बॉडी पार्ट से, मतलब एक साइकिल यहाँ पर हो गया, एक बार ब्लड यहाँ ऐसे फ्लो किया, अब बच्चे क्या यहाँ से डीऑक्सी ब्लड कौन लेके आएगा, सुपीरियर और इन्फीरियर बिना कवर कहाँ छोड़ देगा आपका आर्टरी के पास है, फिर नीचे जाएगा और फिर यहाँ से आपका लंग्स के पास चला जाएगा। तो देखा जाए तो एक साइकिल बेटा क्या होगा, एक साइकिल आपके हार्ट से दो बार ब्लड फ्लो किया, जो राइट ये जो लेफ्ट हाफ है वहां से कैसा, वहां से सिर्फ और सिर्फ माय डियर ऑक्सीजनेटेड है, और लेफ्ट हाफ से कैसा चक्का, ये जो राइट हाफ से ये आपका डी ऑक्सी है, इसी को आपको एक्सप्रेस करना है, कर लोगे, यस सर कर लिया जाएगा। द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड, ट्वाइस क्या चल रही है, एक बार ऑक्सीजनेटेड जो लेफ्ट से गया, एक बार डीऑक्सी जो राइट से जाएगा, चलेगा वंस थ्रू द देखो राइट हाफ इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी, इसकी बात चल रही है, एंड वंस थ्रू द लेफ्ट हाफ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने माइंड, ठीक है सबका, चलो क्या आपका आ जाओ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग फोर चैंबर्ड हार्ट, परफेक्ट है, क्या एडवांटेज है, देखो जी जहां समझो इसको, आपके पास तीन कैटेगरी है, बोलो एक क्या, एक है पाइसिस जो मछलियों का परिवार है, पाइसिस फैमिली है, और एक आपके पास है एम्फीबियंस, यस परफेक्ट है एम्फीबियंस एंड माय डियर कौन सा आपका रेप्टाइल्स है, और तीसरा कौन सा, और तीसरा बच्चा है आपका बोलो कौन सा, यस मैमल्स और बर्ड्स, हाँ बर्ड्स कह रहा हूँ मैं आपका, मैमल्स एंड आपका बर्ड्स है, चलेगा यस आपका। अब है क्या बच्चे, ये मैमल्स और बर्ड्स है ना, इनको क्या होता है, इनको ना बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से
अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। फिर से बोला जाए, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसे में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। आप मुझे बताओ एनर्जी कहाँ से बनता है? तो एनर्जी रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा क्या एनर्जी बनेगा। अच्छा परफेक्ट है। अब है क्या, तो इन्हीं मैमल्स और बर्ड्स में क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट। फिर से बोला जाए, कितने चैम्बर्ड का हार्ट है, फोर चैम्बर्ड का हार्ट है। तो आप क्या देखोगे कि जो आपका यस दिखा चल रहा, यस ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल है। तो ये जो ये वाला पार्ट है इसे बोलेंगे आपका राइट साइड ऑफ पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा बेटा, यस इसे बोलेंगे लेफ्ट साइड ऑफ पार्ट है। तो ये दोनों ना एक लेयर से, एक वॉल से सेपरेट होते हैं। उसी वॉल को बोला जाता है आपका सेप्टम। बोलो क्या आपका सेप्टम है। तो पूछा कि क्यों आपके फोर चैम्बर का हार्ट होता है, तो आप क्या देखोगे कि इस लेफ्ट पार्ट पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, और जो ये राइट वाला पार्ट है यहाँ पर कौन सा डीऑक्सी है। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं, मतलब ऑक्सी और डीऑक्सी मिक्स होंगे, तो क्या ऐसे में आपका जो है हाई एफिशिएंट जो एनर्जी क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? तो आप बोलोगे सर ये जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं यहाँ पर क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो ऐसे में इन ऑर्डर टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मस्ट बी सेपरेटेड है, इसीलिए फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है यहाँ पर। आज जो क्या है, सब अच्छे ध्यान से इसको रीड करेंगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ा जाए। देखो इन फोर चैम्बर्ड हार्ट लेफ्ट हाफ जो है वो कंप्लीटली सेपरेट है किससे बेटा, राइट हाफ से, और आपको कौन कौन आपका सेप्टम के द्वारा। दिस प्रिवेंट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग है, और इसके वजह से वो क्या हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिससे आपको क्या एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, जो हाई एनर्जी के नीड्स है, जो हाई एनर्जी के नीड्स है किसमें आपका बर्ड्स एंड मैमल्स में, ये फुलफिल हो पाएगा। बहुत ही सिंपल था, चलेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन देखो, यस क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो लेफ्ट आर्ट्रियम पे कौन सा ब्लड वेसल लेके आएगा, और बच्चे आपका जो वेंट्रिकल से लंग्स तक, वेंट्रिकल से लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन से अब ब्लड वेसल लेके जाएंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस हमने पहले भी किया है, कौन कौन से मेजर इवेंट्स है, जो होता क्या, देखो ये वो केमिकल रिएक्शन है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर टेक प्लेस करेगा। सबसे पहले क्या होता है, ये आपका जो सन की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इसको ट्रैप किया जाता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। परफेक्ट है। तो आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, चलेगा परफेक्ट है। और बच्चा पार्टी इसका क्या होगा, जो आपने सोलर एनर्जी कैप्चर किया है उसकी मदद से क्या बनाएंगे, यस आपको केमिकल्स बनाएंगे, फूड बनाएंगे, और इसी को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। आपने किया था ना अभी, एक ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पर सोलर एनर्जी को लिंक किया जाता है किससे, केमिकल एनर्जी से। आपने आंसर क्या दिया था, फोटोसिंथेसिस, वही आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड ये हो गया। उसके बाद क्या होता है माय डियर, उसके से क्या है, मुझे पता है कि जब CO2 से आप यहां पर आओगे तो आप क्या देखते हो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। आप मुझे बताओ कि अगर CO2 को यहां से अगर यहां पर आए तो आप क्या दिख रहा है साफ साफ, सर हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन कहां से आया, तो पक्का ये जो वाटर है ये आपका स्प्लिट होता होगा। तो यही आपका उसका स्टेप है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। उसके बाद आपका जो CO2 है वो प्रोडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है। ये बहुत बार पूछा गया, इसको एज इट इज ध्यान रखना, पहला क्या आपका एब्जॉर्प्शन, दूसरा के कन्वर्जन और कन्वर्जन का स्प्लिटिंग, और लास्ट में क्या है, यस जो CO2 प्रोडक्शन हो जाएगा, चलेगा। यस मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ जो फोटोसिंथेसिस है माय डियर, जो आपका फोटोसिंथेसिस है ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बताया जाए मुझे ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर आपका एक्सो है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। परफेक्ट है, यस सर आगे बढ़ा जाए। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां पर क्लाउडी डेज है। आप बताओ क्लाउडी डेज है तो ऐसे में चाहिए कि आपका क्लाउडी डेज है तो बोलो क्या सन की जो रेज या सनलाइट आ पाएंगे, नहीं ना, तो सन की जो रेज हमारी आपको नहीं मिल पाएंगी, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका डिक्रीज हो जाएगा। परफेक्ट, बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में ही तो फोटोसिंथेसिस होता है। आ जाओ, नो रेनफॉल है, पानी ही नहीं है, तो ऐसे में क्या, मुझे पता है कि जब आपका फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा था, साफ साफ था, वाटर था ना, वाटर चाहिए चपका, तो आपका नो रेनफॉल है, इसका मतलब क्या है, सर डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहां से क्या सीख सकते हो ना कि और भी फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्ट करते हैं, गुड मैनर
वाटरिंग है, अगर खाद अच्छा दे रखा है तो ऐसे प्लांट्स जो आपका हेल्दी होगा पॉपर आपका, तो वहां पर जो इंक्रीज हो जाएगा, चलेगा चलेगा चलेगा। और लास्ट है स्टोमेटा गेट्स ब्लॉक ड्यू टू डस्ट, है स्टोमेटा से ही तो एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है, तो ऐसे नहीं होगा आप क्या बोलोगे डिक्रीज हो जाएगा, चलेगा। यस परफेक्ट, डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज और आपका डिक्रीज, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आते हैं, ध्यान रखना ये हॉर्स क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61 एंड आपके यहाँ आई थिंक नंबरिंग गलत हो गई है, ये 61 से आपका हाँ 51 से आपका, चलो चलो ओके 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 परफेक्ट आपका बच्चे, हाँ बेटा नंबरिंग अच्छा ठीक है, ये सब ओके है, बस नंबरिंग गलत, कोई दिक्कत नहीं है। नेम द एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको याद है कि एनर्जी की करेंसी किसे बोला जाता है, तो आपको याद आएगा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी है। रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी बनता है उसको बना लिया जाता है एनर्जी करेंसी में, ताकि स्टोर करके रखते हैं कि इन फ्यूचर एनर्जी चाहिए होगा तो उसी एनर्जी करेंसी को यूटिलाइज किया जाता है। और कैसे बनता, कहाँ बनेगा, ये बनता माइटोकॉन्ड्रिया पे, और कैसे बनेगा, ये आपका रेस्पिरेशन के टाइम पे बनता है। बहुत ही प्यारा आंसर है, जब पढ़ा जाए सब इसको प्यारी तरीके से रीड करेंगे, बोलो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म ATP इज द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन ऑफ फूड, क्या रोल है किसका, माउथ का, कहां पर, डाइजेशन ऑफ फूड के टाइम पे। देखो माउथ के पास क्या है, आपका टीथ है, टीथ क्या करते हैं, जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, इससे क्या होगा, इससे आपका मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा, बिकॉज पहले बड़ा था ना छोटे छोटे पीस हो गया, तो अच्छे से डाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं टीथ ने क्या किया, फूड को मास्टिकेट किया, देन क्या जो माउथ है वहां टंग है, तो टंग एक आपका जूस बनाएगा सलाइवा, और सलाइवा पहली बात तो क्या करेगा, फूड को सेमी सॉलिड फॉर्म में कर देगा, और साथ में उसके एक एंजाइम सीक्रेट करेगा, कौन सा, सलिवरी एमाइलेज, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए तो आया था कि ऐसा बताओ कि क्या माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो आपका आंसर है यस। अब इसको रीड किया जाए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारी सी एक्सप्लेनेशन है। Food is broken down into chapter smaller pieces so that it becomes easier to swallow the food. Perfect. Smaller particles also ensure that saliva is properly mixed with the food, and tongue plays the important role of mixing the food with saliva. उसके बाद क्या है? Digestion of starch takes place in the mouth. चलेगा। और ये किसने कराया? ये कराया आपका salivary amylase. परफेक्ट है, यस लो क्या, सलाइवरी एमाइलेज। और कोई पूछे कौन सा फर्स्ट एंजाइम है जो कि डाइजेशन करवाता है, तो आंसर सलाइवरी एमाइलेज ही देना है। बढ़ते अपने 65 की तरफ, अच्छे नंबरिंग करते कोई दिक्कत नहीं है। मैच द टर्म्स इन मैचिंग खेलनी है, देखो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करता माय डियर, ट्रिप्सिन अब क्या करेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, सोचा जाइए, तुझे ट्रिप्सिन आपका पेंक्रियास के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड बाय द पेंक्रियास, पेंक्रियास बनाता है, बोलो क्या, पेंक्रियास बनाता माय डियर, पेंक्रियाटिक जूस है, और इसी पेंक्रियाटिक जूस के अंदर आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट, और लाइपेज क्या करेगा, ये आपके फैट को डाइजेस्ट करता है, चलेगा। एमाइलेज क्या भी देखा था, एमाइलेज कौन बनाएगा, यस आपका सलाइवा के पास होते, चलेगा। बाइल बच्चे, बाइल आपका, बाइल कौन सीक्रेट करता है आपका, लीवर और पेप्सिन, यस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो कि आपके स्टमक में पाए जाते हैं। अब मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, डिस्कस भी किया था, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है, इसकी प्यारी सी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन जरूर देना। आ जाओ, व्हाट इज कॉमन फॉर कस्कटा टिक्स एंड लीचेस, देखा जाए इनकी तस्वीर, कस्कटा टिक्स और लीचेस क्या कॉमन है, चलो ये बहुत ही खतरनाक है, ये क्या है सर, कॉमन क्या है इनका, कॉमन है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ध्यान दिया जाए क्या कॉमन है बच्चा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉमन है, कौन से मोड को अपनाते हैं, तो आंसर क्या निकलेगा सर, ये अपनाते हैं आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर से बोला जाए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आया सभी को, यस ये आपका चे पैरासिटिक जो है वो किसके अंदर आता है सर, हेटरोट्रॉफिक मोड के अंदर ही आता है आपका, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परफेक्ट है, यस सर बहुत मजा है, आगे बढ़ते हैं, चलो 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 क्या, बस ये ध्यान देना कि आपका ये प्लांट है, ये आपका पैरासिटिक प्लांट है, आपके पैरासिटिक आपके एनिमल्स है, चलेगा ये सर, दौड़ेगा, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है, नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या होता है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, सबस्ट्रेट क्या है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन मुझे पता है कि ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, और ये किसके ऊपर काम करता है सर, प्रोटीन्स के ऊपर काम करेगा, तो बोलो क्या है कि सर ये बोलो क्या है, ये प्रोटीन्स के ऊपर काम करेगा, उसी को बोला जाएगा आपका सबस्ट्रेट है। अमाइलेज किसके ऊपर आपका, फैट्स के ऊपर काम करेगा, पेप्सिन भी किसके ऊपर आपका, ये सी प्रोटीन्स के ऊपर काम करेगा, और लाइपेज के चपका, यहाँ गलती कर दी,
एमाइलेज तो आपका कॉम्प्लेक्स स्टार्च, बोले तो क्या सर स्टार्च के ऊपर काम करते हैं, और बच्चे आपका लाइपेज क्या करेंगे, लाइपेज आपका सिर्फ फैट्स के ऊपर काम करते हैं, चलेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट करेगा, एमाइलेज स्टार्च को किसमें, और पेप्सिन इसको इसमें, और लाइपेज किसको करेगा, परफेक्ट आपका। वैसे ये नहीं पूछा किसमें करेगा, आपसे इतना पूछा था कि किसके ऊपर काम करेंगे, सब्स्टिट्यूट उसी को बोलते हैं, परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, यस क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने, व्हाई डू वेंस हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरीज, क्यों वेंस के थिन वॉल्स होते हैं अगर आप इसे आर्टरीज से कंपेयर करोगे, आंसर सोचो वेंस में कैसे, वेंस क्या करते हैं सर, ये ना हार्ट के पास ब्लड को लेके आते हैं, और जब आपका हार्ट के पास ब्लड आता है तो वो लेस प्रेशर पे होता है, लेस प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या थिक वॉल दोगे, ना जी ना। लेकिन आर्टरीज क्या है सर, आर्टरीज हार्ट से दूर लेके जाता है, और जब दूर लेके आएगा तो आप प्रेशर ज्यादा होता है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट प्रेशर इट हैज थिक वॉल्स, परफेक्ट है। ध्यान से देखा जाए, देखो है क्या, ये रहा आपका आर्टरी और ये वीन है, ठीक है आपका आर्टरीज के जो बाहर का जो आर्टरीज, ये आपकी ये थिक आउटर वॉल है, लेकिन यही कहानी बचे कि आपका वीन्स में क्या पतला है, क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या माय डियर, यहाँ पर कैसा ब्लड फ्लो करेगा, यहाँ पर माय डियर आपका ये आप बोलोगे सर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब फ्लो करता है तो ज्यादा प्रेशर पर होता है, और यहाँ से कैसा आपका, यहाँ से कैसा आपका डी ऑक्सी है तो लेस प्रेशर पर होता है, परफेक्ट माय डियर, यस यस। और यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, कौन सा याद है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन है, चलो क्या, और ये आर्टरीज है ये वीन्स है, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, कैपिलरीज है, परफेक्ट है, यस नो कैन, यस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स वर एब्सेंट इन द ब्लड, ये प्लेटलेट्स करते क्या है, ये ब्लड को क्लॉट करने के काम आते हैं, ब्लड के जो सेल्स हैं उसी में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो प्लेटलेट सेल ही है तो ये क्या करेंगे, ब्लड को क्लॉट करते हैं, अगर ये नहीं होगा तो आप मुझे बताओ क्या क्लॉटिंग होगी, नहीं तो इसका मतलब क्या, अगर कट लग गया तो ब्लड फ्लो करते ही जाएगा, करते जाएगा, इंसान को क्या संदेश आएगा, तेरा इंतजार है आजा जल्दी तू आजा, है ना, ये साथ बेटा, तो आप क्या बोलोगे, देखो उसके फंक्शंस को लिखा जाए, प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट है तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, और इन केस ऑफ इंजरीज ब्लड फ्लो कैन नॉट बी स्टॉप और विदाउट क्लॉटिंग, और इसके से क्या आपका ये फेटल जानलेवा हो सकता है, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स, एक्सप्लेन किया जाए, आप मुझे बताओ यार प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए क्यों, प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए क्यों, ये कुछ आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, घर में बोलते ना कि फादर से पूछा जाए, फादर जो है जब मदर पैसे मांगती है फादर से, ऐसा अक्सर होता है, शायद घर में भी होता होगा, तो पापा बोलते हैं कि आपको पैसे क्यों चाहिए, तो मम्मी बोलती है कि मुझे बच्चों को कुछ लाना यार ऐसे क्यों नहीं चाहिए, तो पापा बोलते हैं मुश्किल तो मैं होना, इसका मतलब जो ट्रेवल कर रहा है, जो जा रहा है उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन जो घर में बैठा है उसे कम पैसे, कुछ ऐसा लॉजिक कहीं पर भी होता है, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स, क्यों, बिकॉज प्लांट्स बच्चे क्या, पहली बात तो उनको लोकोमोशन करना नहीं पड़ता, प्लांट्स के पास भगवान ने बोला कि बेटा तू खाना बना सकता है, तो ये जो एनिमल्स से खाना नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे में भटकते हैं आपके रास्ते रास्ते खाने के लिए, तो वही कहानी आप राज, क्या बोलोगे, देखो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, और साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां पर ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होता, कैसा होता वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन जो एनिमल्स के अंदर ज्यादा सारे ट्रांसपोर्टेशन पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसे बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, देखो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड प्लांट्स स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस एंड दे विल नॉट ट्रेवल इन सर्च ऑफ फूड, इसीलिए प्लांट को जो है लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कितना सिंपल था, है ना, यस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, दो क्या कह रहा है, व्हाई एंड हाउ डज वाटर कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मूव इनटू द रूट जाइलम, मतलब कैसे आपका रूट जाइलम पे जब का मूव कैसे करता है आपका, वो हम देखने जा रहे हैं, जो है क्या, देखो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, कंडक्टिंग टिश्यू जो कि आपका जाइलम है, तो कह रहा है कैसे जाइलम पे एंटर करता है, बाकी कहानी जाइलम करेगा कैसे जाइलम पे करेगा, आप ध्यान दो जी है क्या, आप मुझे बताओ प्लांट के ये क्या है सर, प्लांट के आपके हैं रूट हेयर्स, परफेक्ट है, ये प्लांट के माइडिया रूट हेयर्स है, देखो ये सारे आपके क्या है रूट हेयर्स है, अब मुझे बताओ ये कहाँ पर है सर, इस सॉइल पर है, अब जी इस सॉइल में क्या होते हैं आपके, इस सॉइल में आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, परफेक्ट है, इस सॉयल में माय डियर क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉयल में अच्छे आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, चलेगा। अब होता क्या है, तो ये जो आपके रूट्स है माय डियर, ये एक्टिवली ये कुछ एनर्जी को खर्च करके क्या करते हैं, एनर्जी को खर्च करके इस आयंस को ऊपर अपटेक कर लेते हैं, कैसे, देखो क्या है, अब ये आयंस यहाँ चला गया, अब मुझे बताओ जब ये आयंस यहाँ पर आया तो ऐसे में जहां पर आया वहां पर क्या वो सल्यूट बढ़ गया, वहां पर माय डियर सल्यूट बढ़ गया, और जहां पर जहां से आया था वहां सल्यूट क्या हुआ कम हो गया, जहां से आया था सल्यूट कम हो गया,
अगर सल्यूट कम हो गया तो क्या ये बोल सकते हैं कि आपका सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, परफेक्ट है, सॉल्वेंट ज्यादा है, चलेगा आपका। तो इसका ना यहाँ पर आपका बोलू के सॉल्यूट ज्यादा और यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है, परफेक्ट है, तो सॉल्वेंट ज्यादा से कम की तरह मूव करेगा, सॉल्वेंट बोले तो क्या वॉटर। इसका मतलब क्या है कि हुआ क्या, प्लांट ने एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब किया, इसकी वजह से आपका क्या है आयंस का बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, जहां गया वहां आयंस बढ़ गए, वहां सॉल्यूट बढ़ गया, और जहां से गया था वहां आपके आयंस कम हो गए। तो इस प्रेशर को, इस आयंस के प्रेशर को, इस आयंस के कंसंट्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए वाटर क्या करेगा, उस आयंस के पास जाएगा, तो वाटर कुछ मूव करेगा कहां तक, यस एग्जिट यहां तक, और इस तरीके सारे सारे जो आपके एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और वाटर उसको एलिमिनेट करने के लिए वहां मूव करेगा, और इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन साइलम से होगा। अब साइलम पहुंच गया, अब ट्रांसपोर्टेशन पूल से वो ऊपर चला जाएगा। देखो क्या, देखो सेल्स ऑफ रूट आर इन close contact with the soil and so actively take up ions. इससे क्या हुआ, देखो the ion concentration increases inside the root and hence osmotic pressure increases the movement of water from the soil into the root which occurs continuously. तो कुछ इस तरीके से आपका, और इसी को बोला जाता है आपका root pressure, क्या बोलते हैं माइंड आपका root pressure से आपका water का conduction takes place करता है। चलेगा आज आ गया, कुछ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। Yes, why is transpiration important for plants? क्यों जरूरी है my dear, transpiration होता क्या है? Transpiration क्या है? Water. जो water को loss किया जाता है by the surface of leaves, इसी को transpiration बोलते हैं, और जहां पर stomata काम आते हैं। अब वजह क्या है, जब ट्रांसपरेशन होगा तो इसी बहाने से वाटर क्या करेगा, वाटर मूव करता है, और वाटर के साथ मिनरल्स भी मूव करते हैं, परफेक्ट है। देखो तो ट्रांसपरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बिकॉज इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ क्या, वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स से आपका लीव्स है, चलेगा अपवर्ड डायरेक्शन पे। सेकंड बात क्या है, ट्रांसपरेशन एक तरह का इवेपोरेशन ही तो है, और जब इवेपोरेशन होता है तो ऐसे में जो सर्फेस जहां से इवेपोरेशन हो रहा है वहां पर क्या कूलिंग होती है ना, परफेक्ट है। तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं इट प्रिवेंट्स द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम हीटिंग अप, चलेगा, यस एग्जैक्टली। थर्ड वजह क्या है, ट्रांसपरेशन हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट बिकॉज क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, एंड रेजिंग वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस है। डैम श्योर है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट को क्या चाहिए होता है, प्लांट को वाटर चाहिए होता है, तो वाटर कहाँ से आया, इसी ट्रांसपरेशन की वजह से आया, परफेक्ट है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर लीव्स के सरफेस ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या ऐसे में ट्रांसपरेशन टेक्स प्लेस करेगा, ना जी ना, क्योंकि ट्रांसपरेशन कब होगा, जब आपके स्टोमेटा से एक्सचेंज बाहर वाटर वेपर जाए, बाहर जाएगा, अगर बाहर ही नहीं जाएगा तो आप बताओ मुझे क्या ट्रांसपरेशन हो पाएगा, ना जी ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, देखो हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रेशन है, कैसे आपके वही कहानी, सेम वही कहानी मैडी आकाश, देखो बताओ ट्रांसपरेशन के बहाने से, ट्रांसपरेशन के बहाने से प्लांट ने क्या लूज किया, प्लांट ने वाटर वेपर को लूज किया, जो एक्सेस वाटर था उसको लॉस किया वाटर वेपर के फॉर्म में, चलेगा चक्का। तो एक तरह से यहाँ पर जो वाटर वेपर का लॉस हो रहा है ये एक्सक्रेशन ही तो है, ये आपका एक्सक्रेशन ही है। तो क्या बोल सकते हैं कि सर ट्रांसपरेशन के बहाने क्या हो रहा है, प्लांट जो है वाटर वेपर को लूज कर रहा है, तो ये इट्स टाइप ऑफ एक्सक्रेशन है। दूसरी बात है, प्लांट क्या करता है माय डियर, जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगा, जब प्लांट बच्चा पार्टी रेस्पिरेशन करेगा तो कौन से गैस को लिए जाता अंदर, तो सर आपको लेते हैं ऑक्सीजन, और क्या छोड़ा जाता आपका CO2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो प्लांट की जो लीव्स हैं, लीव्स में जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा में क्या हुआ चक्कर, ध्यान दो, इस रेस्पिरेशन के बहाने O2 लिया गया, इसको यूटिलाइज कर क्या बनाया आपका CO2 बनाया, तो CO2 जो एक तरह का वेस्ट है इसको बाहर दिया जा रहा है, ना बाहर आपका लीव्स के द्वारा छोड़ा जा रहा है। सेम वही कहानी मैं आपका बोलूँ क्या है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट कौन सा गैस लेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा CO2, और क्या छोड़ेगा O2 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जिस तरह रेस्पिरेशन के टाइम पे CO2 को लॉस किया जा रहा था, सेम वही फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन का लॉस किया जा रहा है, तो एक तरह का एलिमिनेशन ही तो है, एलिमिनेशन ऑफ CO2, एक तरह का ऑक्सीजन का एलिमिनेशन है, और एक तरह का यहाँ वाटर वेपर का एलिमिनेशन है। तो इस तरीके से आपका जो प्लांट की जो लीव्स है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन आपका जो है क्या करते हैं, क्या सॉरी ट्रांसपिरेशन वो आपका एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। देखो इसको रीड किया जाए, बहुत ही प्यारी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, देखो लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन इन मैनी वेज, कैसे, देखो एक्सेस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज एक्सक्रीटेड बाय व्हिच प्रोसेस, यस ट्रांसपिरेशन, जो कि आपका लीव से ही होता है, और सेम वही कहानी है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा रेस्पिरेशन के टाइम पे और ऑक्सीजन का आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ये भी आपका लीव से जाए, क्यों, बिकॉज लीव्स में क्या होता है आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कितना सिंपल था ना, यस इनो कैसे लाउडली, यस इनो मजा आ रहा है, एग्जैक्टली। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, और यहां से आपके क्या स्टार्ट होगा माय डियर, यहां से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, परफेक्ट है। नाउ जस्ट लॉन्ग लपेट देंगे करके,
ये सोचिए जब लॉन्ग करोगे तो लॉन्ग में ध्यान रखना एज इट इज क्वेश्चन, यहाँ से 5 मार्क्स के उठ के आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन आए हुए हैं। बिकॉज हम सब क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हम सब अच्छे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं, और आया हुआ था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर कौन सा मोड टेक्स प्लेस करेगा, तो आंसर क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है होलोजोइक, जहां पर क्या है फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लिया जाता है और सब कुछ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन ये सब बॉडी के अंदर ही टेक्स प्लेस करेगा, इसी को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। साफ साफ फिगर दिख रहा है यहाँ पर आपका डायग्राम है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायग्राम प्लस में हल्का सा फ्लो चार्ट के फॉर्म पे एक्सप्लेन करना है। अब वह क्या देखो, ये आपका अमीबा है, अमीबा की जो बाहर की माइडिया जो वॉल्स हैं ये कैसे होते हैं, ये जब के फिक्स नहीं पर चेंज करते हैं, ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इसी को सीडोपोडिया का नाम दिया जाता है। बोले तो क्या सीडोपोडिया परफेक्ट है, और सीडोपोडिया को एक और नाम से जाना जाता है माय डियर, बोलो क्या सर, फॉल्स फीट है, परफेक्ट परफेक्ट आपका फॉल्स फीट है। तो सीडोपोडिया की मदद से माय डियर जो फूड पार्टिकल्स है, ये रहा जो फूड पार्टिकल्स है, इसको बॉडी के अंदर ले लिया जाएगा, बॉडी के अंदर ले लिया जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंजेशन, फिर से बोला जाए इंजेशन है। उसके बाद जैसे ही वो फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा, अब वो फूड पार्टिकल जाएगा फूड वैक्यूल के पास, क्यों, बिकॉज फूड वैक्यूल वो साइट है जहां पर क्या टेक्स प्लेस करेगा डाइजेशन, बोले तो क्या जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। देन क्या होगा, जो भी आपको कन्वर्ट किया, जो भी आपका फूड जो केमिकल्स आपका उसे आप एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो एब्जॉर्प्शन होगा, और लास्ट में क्या होगा एसिमिलेशन, उसके बाद क्या जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि आपके अमीबा के अंदर टेस्ट प्लेस करते हैं। क्या अमीबा सीडोपोडिया की मदद से क्या किया, अपने सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड किया और आपका फूड को कैप्चर कर लिया गया, उसके फूड कहाँ गया बेटा, फूड वैक्यूल के पास गया, और उस फूड वैक्यूल में क्या हुआ डाइजेशन टेक प्लेस किया, देन आपका यस आपका डिफ्यूजन हो गया कहाँ पर साइटोप्लाज्म में, और बोले तो क्या, बोले तो आपका एब्जॉर्प्शन है, और उसके बाद वहां पर जो है फूड केमिकल्स की यूज से एनर्जी बनाएंगे, बोले तो एसिमिलेशन है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो सरफेस पे आके बाहर चला जाएगा, बोले तो क्या इजेशन, इजेशन है। तो स्टार्ट हुआ था किससे, स्टार्ट हुआ इंजेशन से, करते करते कहानी कहाँ खत्म हो बेटा, इजेशन में जाके खत्म हो गई, और दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपसे क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन, परफेक्ट आपका चलो खाने की एंट्री कहाँ से होती है, माउथ से, तो ये जब इंजेक्शन है आपका इंजेक्शन ये आपका माउथ में ही टेक्स प्लेस करेगा, चलेगा आ जाओ क्या अब खाना माउथ पे जा चुका है, अब माउथ पे दो चीज मिलेंगे, बोलो क्या क्या सर, एक मिलेगा आपका टीथ है ना, आपका टीथ है, और एक बोलो क्या टंग है। अभी देखा था हमने कि टीथ क्या करेगा, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को मास्टिकेट करेगा छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में, और साथ में जो टंग है, टंग क्या करेगा फूड को मिक्स करेगा, जो बिकॉज टंग एक टंग जो है आपका टंग क्या बनाएगा सलाइवा, तो सलाइवा और फूड को मिक्स करने का रोल करने का कौन करेगा, वो टंग ही करेगा। देन बच्चे बोलो क्या है, देन उसके बाद जो इसोफेगस से फूड कहाँ चलाएगा आपका स्टमक के पास चला जाएगा, और स्टमक के पास बोलो क्या है, स्टमक के पास आपके हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बोला जाए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन जो है क्या सीक्रेशन देगा आपका गैस्ट्रिक जूस है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती है, कौन कौन से बेटा, पेप्सिन म्यूकस और एचसीएल है ना, पेप्सिन म्यूकस और आपका जो है एचसीएल है, चलेगा, और यहाँ पर पेप्सिन क्या करेगा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट है, म्यूकस क्या करेगा ये स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा, और एचसीएल क्या एक एसिडिक मीडियम बनाएगा जो कि माय डियर पेप्सिनोजन को जो क्या करेगा जो कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, परफेक्ट है यस एग्जैक्टली माय डियर, और इसीलिए बोलते हैं कि पेप्सिन जो है वो कौन से मीडियम पे काम करेगा एसिडिक मीडियम, और ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा ये आपका माय डियर बोलो क्या सिर्फ एचसीएल ही प्रोवाइड करेगा। उसके खाना कहाँ चला जाएगा, खाना चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा और साथ में एब्जॉर्प्शन है, तो कंप्लीट डाइजेशन पे ये दो चीजों से मान लेगा, एक लीवर और एक बच्चे की सबका, ये आपके जो बैकबोन है और जो स्टमक है उसके बीच में आपका ये पैंक्रियास होता है, तो पैंक्रियास बनाएगा क्या पैंक्रियाटिक जूस वो, और साथ में जो बाइल है वो दोनों मिक्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन पे कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन होगा ये एक एज इट इज क्वेश्चन आने वाला आगे, तो उसे हम कम करेंगे, अब इसे क्वेश्चन मार्क करो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, और देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन वैसे आपका फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां पर स्टोर हो जाएगा रेक्टम, और कहां से बाहर निकल जाएगा आपका एनस के अंदर, परफेक्ट आपका। तो माउथ से स्टार्ट हुआ करते 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 कहां तक एनस तक, और जब जब गया तो रास्ते में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मिले, कुछ ना कुछ मदद किया, तो इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन, परफेक्ट है माय डियर यस एग्जैक्टली। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन मैन, ब्रीथिंग को डिस्कस करना, देखो है क्या
बच्चे ब्रीथिंग क्या हो, देखो बच्चे बच्चे ना ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को अक्सर मिक्स कर देते हैं, अलग है। देखो क्या है ब्रीथिंग, बच्चे क्या होता है देखो, यस, तो आपका जो एयर है, एयर को बॉडी के अंदर लेना, ऑक्सीजन रिच एयर को, ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेना, इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाए आपका इनहेलेशन। फिर से बोला जाए आपका इनहेलेशन चलेगा। और साथ में जो CO2 रिच एयर है, CO2 रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालना, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सहेलेशन। फिर से बोला जाए आपका एक्सहेलेशन। तो जो इनहेलेशन प्लस में एक्सहेलेशन, इसी को बोलते हैं ब्रीथिंग चलेगा। तो ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है, सब ब्रीथिंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, ये लिया और ये बाहर छोड़ा, लिया और बाहर छोड़ा, और साथ में ये एक्सटर्नल है और साथ में फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज माय डियर, फिजिकल चेंज है। अब होता क्या माय डियर, देखो जब आप ऑक्सीजन लोगे ऐसे, तो ऐसे में क्या होती है आपकी जो चेस्ट कैविटी है, जो चेस्ट कैविटी बेटा वो क्या होगा, जो आपका चेस्ट कैविटी, आपका चेस्ट कैविटी देखो तो बाहर की तरफ आएगी, चेस्ट कैविटी आउटवर्ड्स बोला जाए, चेस्ट कैविटी माइंड आपका आउटवर्ड्स चलेगा चलेगा। देखो देखो आपका क्या है, और जो डायफ्रेग्राम है चीज़ ऊपर की तरफ चला जाएगा, परफेक्ट आपका यस। और जो डायफ्रेग्राम है, ध्यान देना डायफ्रेग्राम आपका ये आपका अपवर्ड चला जाएगा, परफेक्ट है, बोलो है ना, यस। देखो चलेगा चलेगा चलेगा, उसके ये आपका इनहेलेशन की कहानी है। और एक्सहेलेशन के टाइम इसी का उल्टा कर, देखो देखो तो आपकी जो चेस्ट कैविटी वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, ये आप करके देख भी सकते हो आपका, मुझे बताओ मुझे देख के हंस रहे हो, हाँ हाँ हाँ, यस एक्सहेलेशन हो जाएगा आपका। सर चेस्ट कैविटी क्या, आपका चेस्ट कैविटी आपका इनवर्ड्स, यस आपका इनवर्ड्स, और आपका जो डायफ्रेगम है वो आपकी नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएगा, बोले तो क्या डाउनवर्ड्स माय डियर आपका, यस जो डायफ्रेगम है, डायफ्रेगम किस में आपका, यस आपका डाउनवर्ड्स। आया सभी को, तो कुछ इस तरीके से ब्रीथिंग टेक प्लेस करेगा, चलेगा चलेगा। देखो क्या, और साथ में क्या, देखो यहाँ से आपका गया ऑक्सीजन अंदर गया, ठीक है, फिर नेसल कैविटी, फिर बोलो क्या आपका ट्रिक है, उसको ट्रिक है आपका पॉलोट, प से क्या फैनिक्स, ल से लैनिक्स, ट से ट्रैकिया, देन मुझे क्या आपका ये ट्रैकिया का डिवीजन है आपका ब्रोंकी, और ब्रोंकी की जो छोटे छोटे डिवीजन है उसी को क्या बोलते हैं आपका ब्रोंकियोस, और ब्रोंकियोस के एंड में कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर इन एल्वियोलाई, और इसी एल्वियोलाई पे आपका ये साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज बोला जाए, साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज है। तो एक कंप्लीट कहानी थी माय डियर, हमने देखा कि कैसे आपका जो है कहां कहां से जाएगा, एक पाथ भी देखा, और साथ में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या क्या होता है ये भी कंप्लीट देखा, परफेक्ट है, यस। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, कितनी प्यारी स्लाइड है, क्या बोला हुआ है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, व्हिच इज सॉइल द प्लांट का घर है, तो क्या इंपॉर्टेंस है, देखो यार प्लांट को न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्लांट को ऑक्सीजन हो गया, प्लांट्स को मिनरल्स हो गया, प्लांट्स को वाटर हो गया, कहां से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। तो ये आ जाओ, देखो सॉइल प्रोवाइड्स द बेस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स है, दूसरा क्या वाटर का रिजर्वॉयर है, वहीं से वाटर को लिया जाता है, सॉइल हैज डिफरेंट मटेरियल्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट है, और सॉइल एक ऐसी जगह है जहां से क्या मिलेगा प्लांट को न्यूट्रिएंट्स है, और सॉइल के पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के अच्छे हैं, और साथ में सॉइल के पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एक दोस्ती कर देते, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट, और इस तरीके से प्लांट जो माइक्रोब्स है वो प्लांट को ग्रोथ में मदद देंगे। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं साइंस एग्जामिनेशन पे, तो आप उसको हटा भी सकते हैं, बस सिंपल था कि सॉइल से क्या फायदा है, परफेक्ट है। आज जो क्या है क्वेश्चन नंबर 77 है, डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज जस्ट अभी देखा था एलिमेंट्री कैनल है, क्या लेबल करना आपको, माउथ अच्छे ये रहा, ईसोफेगस कहाँ गया ये रहा, स्टमक कहाँ गया ये रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका इंटेस्टाइन बोला है तो आप दोनों दिखा दो, ये लार्ज इंटेस्टाइन और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, परफेक्ट है, यस नो के। और बच्चे मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ईसोफेगस में डाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आ जाओ रे आ जाओ, हाँ यस आ गया आ गया आ गया आ गया माय डियर, क्वेश्चन नंबर 78 मैं आपसे यही कह रहा था कि कंप्लीट एक ये एक तरह की समरी है डाइजेशन की, वो देखते हैं हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स जो है डाइजेस्ट होते हैं, तो ऐसे कंप्लीट समझते हैं, पूरा आइडिया मिल जाएगा। देखो क्या हुआ, ये समरी कहते ना, तो माउथ से क्या हुआ, माउथ से फूड को लिया गया और इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, इंजेशन बोला जाए, इंजेशन। फिर टीथ ने क्या किया, टीथ ने माइंड आपका च्यूइंग और ग्रिंडिंग ऑफ फूड बोले तो क्या, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। टंग क्या करेगा, यस फूड को रोल करेगा,
टेस्ट करेगा और इसको पुश करेगा नीचे की तरफ, इसोफेगस की तरफ। देखो स्वेलिंग एंड पुशिंग डाउन ऑफ आपका फूड है, परफेक्ट है। तो ये तो था फिजिकल ना, फिजिकल क्या क्या करता है फिजिकली। अब आ जाओ क्या है वो केमिकली क्या करेगा। तो टंग के पास कौन सा ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाएगा आपका सलाइवा, साथ में म्यूकस है। ये सलाइवा क्या करेगा, ये सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है कि माउथ में भी डाइजेशन टेक्स प्लेस करेगा। देन उसे खाना कहाँ चला जाएगा, खाना चला जाएगा स्टमक के पास, ठीक है। जब का यहाँ से ये फर्स्ट था, ये जब का फर्स्ट है माय डियर, जब का सेकंड है, और स्टमक में कैसे गया, इसोफेगस की वजह से। अब स्टमक के पास कौन सा ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस है, जो कि तीन कंपोनेंट है पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस है। अभी देखा था पेप्सिन से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, एचसीएल एक एसिडिक मीडियम है जो कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और म्यूकस आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाएगा। हम देख चुके हैं, आ जाओ अब बचे आता है यस स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है, देखो दो काम है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक तो सीक्रेशन लेगा लीवर और पैंक्रियास से, वो भी कुछ करेगा, और साथ में बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद कौन से एंजाइम है, इंटेस्टाइनल एंजाइम है, और वहां पर वो क्या हुआ देखते हैं। देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने को सीक्रेशन मिला किससे बेटा, लीवर से। तो लीवर ने क्या बनाया, बाइल, बाइल के करेगा बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन का नाम दिया जाता है। देखो तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट किया और नाम क्या दिया बेटा, इमल्सिफिकेशन। फिर से बोला जाए इमल्सिफिकेशन चलेगा, और जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज क्या बनाएगा, पैंक्रियाटिक जूस है जिसके पास ट्रिप्सिन है माय डियर और आपका लाइपेज है। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में जो लाइपेज है माय डियर वो फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये तो था जो सीक्रेशन आया किससे, लीवर और पैंक्रियाज से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, देखो यस इंटेस्टाइन जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। उसके बाद ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं इन सभी को क्या कर लिया जाएगा, इसे आपका ब्लड में भेज जाएगा एब्जॉर्प्शन के द्वारा। एब्जॉर्प्शन के द्वारा ब्लड में ना जो आपका विलाई में होता है, विलाई में एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगा, और इस तरीके से ब्लड के होते होते जहां जहां चाहिए वहां पर जाएगा। तो ये था कंप्लीट सिनेरियो, उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा। ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, बस एक समराइज करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ है, ये बहुत बार कर चुके हैं माइंड। क्या बोला आपसे, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है केमिकल में, और साथ में जो वाटर आपका स्प्लिट हो गया क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और लास्ट में क्या हुआ जो CO2 था इसका क्या हो गया बेटा, यस इसका रिडक्शन हो गया, और क्या बन गया सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही सिंपल यार, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है, एक्सप्लेन द, ये बहुत बार पूछा गया है, एक्सप्लेन द थ्री पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जस्ट अभी देखा था हमने, ये हमने किया था जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे। क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो आपके पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, तो 6 कार्बन किसमें हुआ आपका 3 कार्बन, और इसी प्रोसेस को माय डियर क्या बोलते हैं आपका ग्लाइकोलिसिस बोला जाएगा, और ये कहां पर टेक प्लेस करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चलेगा। अब उसके तीन रास्ते हैं, एक बोलो क्या है एब्सेंस, एक बोलो कि आपका प्रेजेंस, तो जो एब्सेंस वाले हैं और ये जो लैग वाला है इसी को बोला जाता है एनारोबिक मोड। कौन सा बेटा, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, और जो नीचे वाला है कौन सा बेटा, ये आपका एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। जब एरोबिक होगा तो CO2 प्लस में H2 प्लस एनर्जी बनेगा, और जब एनारोबिक होगा तो एथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में एनर्जी है चलेगा, और इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रोसेस को माय डियर फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है, और जो लैग वाला केस है इसी वजह से ये स्टार वालों क्या होता है बेटा, क्रैम्स होता है, बोलोगे क्रैम्स होगा, और क्या बनेगा इस केस में आपका लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। तो ये थे थ्री पाथवेज, ये भी समरी है, बहुत बार डिस्कस कर, जस्ट अभी क्या था जब पूरे, अभी हम 80th क्वेश्चन माय डियर, तो अभी जितने भी क्वेश्चन लड़क तुड़क आए हैं वो सब कर चुके हैं। आ जाओ क्या है क्वेश्चन नंबर यस 81st, ये भी फॉर्मेलिटी है, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ यूमिंग्स है, संदिग्ध लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, किसके पास, लेफ्ट आरटीएम के पास। जब लेफ्ट आरटीएम ब्लड को रिसीव कर रहा होगा तो ये एक्सपेंड होगा, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होगा और पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चलाएगा विद द हेल्प ऑफ लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज कॉल्ड आउटा। तो इसका मतलब अभी तक कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है माय डियर, ऑक्सीजनेटेड है। अब बॉडी ऑर्गन्स में गया, वहां पर इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाएगा और रेस्पिरेशन पे, और क्या बनाएगा CO2। अब वो CO2 जब ब्लड से मिक्स हो गया और क्या बन गया, डीऑक्सी ब्लड, और कहां आएगा, इस राइट आरटीएम। आप नोटिस करोगे लेफ्ट आरटीएम हो गया, ये राइट आरटीएम, ये ने रिसीविंग चैम्बर होते हैं, ये हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं, लेफ्ट वाले ने लंग से किया और राइट वाले ने बॉडी ऑर्गन से किया। देन से क्या, राइट आरटीएम से कहां, राइट वेंट्रिकल,
और वहां से डीऑक्सी ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी है। और मुझे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बॉडी ऑर्गन से राइट आर्ट्रियम के पास कौन लेके जाएगा, दो ब्लड वेसल है, नाम मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, बहुत बहुत खुशी होगी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। यस एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास एंड दिस चैप्टर माय डियर। क्या बात है, क्या बात है, क्या यस ये बहुत पूछा गया है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज, कैसे किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगा। तो ये मेजर तीन स्टेप्स है, कितने आपके तीन स्टेप कौन-कौन से देखो, पहला माय डियर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड क्या है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, और तीसरा क्या आपका सीक्रेशन। अब समझते हैं क्या, देखो जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स क्या एक तरह के बच्चे, नेफ्रॉन्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं, और हर किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। आप देखो हुआ क्या आपका देखो दिख रहा है, ये रहा आपका पहला पार्ट ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में क्या होगा, यहाँ फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस करेगा, जो फिल्ट्रेट है देखो ब्लड, देखो ब्लड के थ्रू क्या हुआ सबका, ब्लड के थ्रू आपके जो भी वेस्ट था जैसे प्यूरिफाई जो फिल्टर होना है वो सारा ग्लोमेरुलस पे एंटर कर गया। और ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें क्या होता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसी पोर से क्या होगा, इसी पोर से जो फिल्ट्रेट है बाहर आ जाएगा और परफेक्ट है जो आपका यस जो बेकार जो सही हो यूजफुल है उसको वापस भेज दिया जाएगा ब्लड के थ्रू, और बाकी जो भी फिल्ट्रेट है बाहर आ जाएगा कहां पर चपका यस यहां पर। और ये क्या ट्यूब्यूल्स है, और इनके कुछ नाम होते हैं आपके, जो ट्यूबुल्स के पास है उसे बोलेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉनवोल्यूटेड ट्यूबुल है। तो क्या देखा ग्लोमेरुलस के अंदर, और इसी के पीछे इसी के बाहर जो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं बबन्स कैप्सूल। देखो नाइट्रोजिनियस वेस्ट ग्लूकोज वाटर अमीनो एसिड फिल्टर हो गया फ्रॉम ब्लड इनटू द बबन्स कैप्सूल है, वहां भी आपका फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस करेगा। देन क्या होगा आपका ब्लड जो है अब जाएगा जी ना, अब देखो सारा वेस्ट जो यहाँ आएगा यस यहाँ पर है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है इसे बोलते हैं पीसीटी। अब यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं कि अगर ब्लड में ये जो आपका फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में कुछ यूजफुल चीज है, अगर फिल्ट्रेट में कुछ यूजफुल चीजें हैं तो क्या होगा उसको फिर से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, और इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। देखो नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग नेफ्रॉन्स है। उसके बाद करते 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 कहां पहुंचेगा, यस डीसीटी बोले तो क्या, जो दूर है डिस्टल कॉनवोल्यूटेड ट्यूबुल है, ये ट्यूबुल से नाम दिया गया। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर आते आते तो देखा कि ब्लड के अंदर ये जो ब्लड है या जो बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है कुछ आपका मेडिसिन ज्यादा ड्रग्स उस समय मान लो कोई दवाई ले रहा है या फिर वाटर का कंटेंट ज्यादा है, तो उनको फिर से आपका जो है इसी ट्यूबुल्स में आपका ले लिया जाएगा। इसे बोलते हैं सीक्रेशन। पहले क्या हुआ ट्यूबुल से गया कैपिलरीज में, अब क्या होगा कैपिलरी से कहा आएगा चाहिए ट्यूबुल्स में, इसी को सीक्रेशन का नाम दिया जाएगा। यूरिया एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सीक्रेटेड इन द ट्यूबुल व्हिच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट है, और वहां से यूरेटर के पास, यूरेटर से थ्रू कहां चलेगा यस यूरिनरी ब्लैडर पे चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से शॉर्ट में सीखा कि कैसे आपका यस यूरिन फंक्शन टेक प्लेस करेगा। डोंट वरी, जब वन शॉर्ट रिवीजन आएगा तो वहां डिटेल में समझेंगे। देखो जो मेन चीज क्या, देखो ये हम पढ़ चुके हैं एग्जाम्पलर से, मैं उम्मीद एग्जाम्पलर करने से मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपने एनसीईआरटी कर लिया होगा, अगर एनसीईआरटी नहीं किया लेक्चर्स हैं आप पहले एनसीईआरटी कम्प्लीट करना। तो इस तरीके से क्या देखा, इस तरीके जोरदार तालियां बिकॉज आपने क्या कंप्लीट कर लिया है माय डियर, आपने बचा लो आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से जोरदार तालियां, सोचो 82 क्वेश्चंस के माय डियर, आप बताओ कहीं बाहर से आएगा ना जीना। अब इतने सारे मल्टीपल क्वेश्चन थे, इतने सारे शॉर्ट थे, इतने सारे लॉन्ग थे, अब बच्चे ढूंढते हैं बाहर के क्वेश्चंस माय डियर, एग्जाम्पलर के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट किया, कोई भी डाउट होगा माय डियर आप कमेंट सेक्शन जरूर पूछना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज अपने मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर करना, ताकि जिस तरह इस वीडियो से आपका फायदा हो रहा है उन सभी का भी हो। बाकी आपका 2.5 घंटे का या 2.5 घंटे ज्यादा हो गया इन सभी कीमती समय लेने के दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।